पोल्यूशन को अगर हम देखें ना तो पूरा एक स्टोरी टाइप चैप्टर है, जो यूनिवर्स है हमारा वो कैसे बना, यूनिवर्स बनने के बाद अर्थ कैसे बनी, अब अर्थ बन गई तो उस पे लाइफ जो है वो कैसे आई। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब है बेटा स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। जब हम किसी भी स्टार को ऊपर देखते हैं वी आर पीपिंग इन टू द पास्ट, हम अपने पास्ट में देख रहे होते हैं। हमारा जो यूनिवर्स है वो कहा जाता है कब बना, अराउंड 20 बिलियन ईयर अगो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर जूलॉजी टीचर। एंड बेटा आई होप कि सब लोग बहुत बढ़िया हो गए। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इवोल्यूशन इन योर बैकलॉग किलर सीरीज। और इससे पहले हम ऑलमोस्ट सब चैप्टर कर चुके हैं हमारे क्लास 12th के, ठीक है, चाहे ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेसेस, देन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और ये हमारा जूलॉजी का लास्ट चैप्टर है, दैट इज द इवोल्यूशन। ठीक है, सो इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इवोल्यूशन को अगर हम देखें ना तो पूरा एक स्टोरी टाइप चैप्टर है कि भाई जो यूनिवर्स है हमारा वो कैसे बना, यूनिवर्स बनने के बाद अर्थ कैसे बनी, अब अर्थ बन गई तो उस पे लाइफ जो है वो कैसे आई, तो वो सब हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज इवोल्यूशन। तो बेटा इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज आती है, एक डेफिनेशन आती है, दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब है बेटा स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, कि हमारे जो लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ के ऊपर कैसे एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना, फिर कैसे उससे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स बने, वो पूरी जो हमें हिस्ट्री है वो जब हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है बेटा? इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। चलिए भाई लाइफ फॉर्म की बात हो गई, बट उससे पहले बात करते हैं कि आखिर ये यूनिवर्स कैसे बना और फिर अर्थ कैसे बनी और फिर उस पर लाइफ कैसे आई। सो यहाँ पे हम मेनली बिल्कुल फोकस करेंगे हमारी एनसीईआरटी के ऊपर, तो ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहला पैराग्राफ जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, जब रात होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारे अर्थ से हम क्या देखते हैं? स्टार्स को देखते हैं बेटा, देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन जो स्टार्स को आप अभी देख रहे हैं या रात को देख रहे हैं, क्या देखो आपको ये चीज पता है ना कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, किस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं आप? जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब जो आपके स्टार है ऑफकोर्स उन्होंने लाइट रिफ्लेक्ट की है तभी आप उसको देख पा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे हमारे बीच में, मतलब अर्थ और दूसरे स्टार्स के बीच में क्या बहुत इतना कम डिस्टेंस है कि जैसे ही उस स्टार ने लाइट रिफ्लेक्ट की वो आपके पास पहुंची और आपने उस स्टार को देख लिया, क्या बेटा इतना कम डिस्टेंस है? नहीं, समझ रहे हो आप? नहीं, हमारे बीच में जो है बेटा बहुत लंबा डिस्टेंस है, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जैसे ही स्टार ने लाइट रिफ्लेक्ट की वो आपके पास नहीं पहुंची, इसका मतलब ये है कि उस स्टार ने मिलियन ऑफ ईयर पहले लाइट रिफ्लेक्ट की थी, तब वो लाइट ट्रैवल करके आप तक आई है और अब उस लाइट की वजह से आप उस स्टार को देख रहे हैं। मतलब स्टार ने बहुत टाइम पहले लाइट रिफ्लेक्ट की बट अभी आप उसको देख रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया कि हम तो पास्ट में देख रहे हैं, जैसे अभी आप फिलहाल मुझे देख रहे हैं, तो ये आपका ये प्रेजेंट है बेटा, है ना, ये बिल्कुल प्रेजेंट है। लेकिन जब आप स्टार को देखते हैं तो वो प्रेजेंट नहीं है, उस स्टार ने बहुत टाइम पहले लाइट को रिफ्लेक्ट किया था जो आप तक पहुंची थी। मतलब जब हम किसी भी स्टार को ऊपर देखते हैं वी आर पीपिंग इन टू द पास्ट, हम अपने पास्ट में देख रहे होते हैं, याद रखेंगे इस बात को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, When we look at the star on a clear night sky, we are in a way looking back in the time. मतलब हम पास्ट में देख रहे हैं। एक टर्म होता है बेटा stellar distances. What is stellar distance? Stellar distance का मतलब होता है बेटा ऐसा डिस्टेंस जो आपकी अर्थ और दूसरे प्लेनेट के बीच में है, आपके अर्थ और स्टार के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज स्टेलर डिस्टेंस। याद रखेंगे अर्थ और किसी स्टार के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर कैसे करते हैं? एज स्टेलर डिस्टेंस। क्लियर? चलिए
दे आर मेजर्ड इन लाइट ईयर. लाइट ईयर में मेजर किया जाता है बेटा स्टेलर डिस्टेंस. आपको पता होगा लाइट ईयर, लाइट ईयर जो है वो किसके इक्वल होता है, इट इज 9.461 इंटू 10^15 मीटर. एक लाइट ईयर की वैल्यू ये होती है बेटा, कितनी है 9.461 इंटू 10^15 मीटर. इतना बड़ा होता है एक लाइट ईयर. तो स्टेलर डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर. व्हाट वी सी टुडे, जो आज हम देख रहे हैं, इज अ डिस्टेंस हुज एमिटेड लाइट स्टार्टेड इट्स जर्नी मिलियन ऑफ ईयर अगो एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे एंड रीचिंग अवर आईज नाउ. मैंने आपको क्या बात बोला बेटा, एक स्टार ने जो लाइट रिफ्लेक्ट किया, जो लाइट एमिट की, वो उसने मिलियन ऑफ ईयर पहले एमिट की थी लाइट, और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर को वो अपनी उस दूरी को कवर करके हमारे पास आज पहुंच रही है. सो उसने तो बहुत पहले लाइट रिफ्लेक्ट की थी, आप उसको आज देख पा रहे हैं, मतलब आप पास्ट में देख रहे हैं. व्हेन वी आर सीइंग इनटू द पास्ट वी आर पीपिंग, सॉरी, व्हेन वी आर सीइंग द स्टार्स वी आर पीपिंग इनटू द पास्ट, वी आर सीइंग द पास्ट. हाउएवर व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट इन अवर इमीडिएट सराउंडिंग, जैसे मैंने अभी आपको कहा आपके आसपास जो भी चीज है या आप मुझे भी देख रहे हैं, तो वी सी देम इंस्टेंटली, हम उन्हें जस्ट अभी देख रहे हैं, हेंस इन द प्रेजेंट टाइम. देयरफॉर व्हेन वी सी स्टार्स वी अपेरेंटली आर पीपिंग इन टू द पास्ट, जब हम स्टार को देख रहे हैं वी आर पीपिंग इन टू द पास्ट. हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है बेटा? स्टेलर डिस्टेंस आ गया समझ में. स्टेलर डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द स्टार, एंड इट इज मेजर्ड इन द लाइट ईयर. वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 इंटू 10^15 मीटर. हाँ जी, क्लियर है ये बात. चलिए नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे कुछ टाइमलाइन लिख दी है बेटा. हर जगह आपको बार बार पूछा जाता है कि भाई बताओ ये कब बना, ये कब बना, ये कब बना, तो मैंने हर एक टाइमलाइन लिख दी है. हमारा जो यूनिवर्स है वो कहा जाता है कब बना, अराउंड 20 बिलियन ईयर अगो. ठीक है, जो फिर सोलर सिस्टम जो है, हाँ, आपका पूरा सोलर सिस्टम जहाँ पे सन और सराउंडिंग प्लैनेट जो भी हैं, वो कब बना बेटा, 4.5 to 5 बिलियन ईयर अगो. फिर अर्थ कब बना भाई, 4.5 बिलियन ईयर अगो. सोलर सिस्टम, अरे यहाँ पे बेटा अर्थ लिखेंगे, यहाँ अर्थ है, ओरिजिन ऑफ अर्थ. ठीक है, अर्थ कब बना बेटा, 4.5 बिलियन ईयर अगो. और अर्थ के ऊपर जो पहला साइन ऑफ लाइफ आया, कि जब ये लगा कि हाँ अब यहाँ पे लाइफ बन सकती है, वो अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर बाद. 500 मिलियन ईयर मतलब 4 बिलियन ईयर अगो. ठीक है, पहला नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया बेटा 3 बिलियन ईयर अगो. और जो सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब यूं कह लो कि पहला प्रोकैरियोट जो है वो 2 बिलियन ईयर अगो, जिसे हम लिख सकते हैं 2000 मिलियन ईयर अगो. समझ रहे हो ना, बिलियन और मिलियन का फर्क मैंने बता दिया है. या तो आप कह देंगे उसको 2 बिलियन ईयर अगो, या आप इसको लिख सकते हैं 2000 बिलियन ईयर अगो. हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्या ये बात क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है बेटा, सो ये टाइमलाइन जो है आपको याद रखनी है. तो ये फिर से पढ़ेंगे इसको. यूनिवर्स कब बना बेटा? यूनिवर्स बना आपका 20 बिलियन ईयर अगो. ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम की बात करें तो 4.5 to 5 बिलियन ईयर अगो. अर्थ बना भाई अराउंड सेम टाइम पे ही, 4.5 बिलियन ईयर अगो. फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जो है अर्थ पे आया, अर्थ के बनने के 500 मिलियन साल बाद. ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है बेटा, 500 मिलियन ईयर्स. ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 500 मिलियन ईयर. सो 500 मिलियन ईयर के बाद जो है लाइफ का साइन आया. देन आता है नॉन सेल्यूलर फॉर्म बनी 3 बिलियन ईयर अगो, और पहला सेल्यूलर फॉर्म जो है दैट इज 2000 मिलियन ईयर अगो या 2 बिलियन ईयर अगो. क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं कि भाई यूनिवर्स कैसे बना. देखिए, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड एज अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स इज वास्ट, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है बेटा. रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इज ओनली ऑलमोस्ट अ स्पेक, यूं बोल लीजिए अर्थ जो है आपके पूरे यूनिवर्स का एक इतना सा पार्ट है, बिल्कुल छोटा सा तिनका भर है, ऐसे कह सकते हैं. ठीक है, द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, अराउंड 20 बिलियन ईयर अगो, जो मैंने आपको लिखवा दिया है. ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजेज द यूनिवर्स. इसका मतलब क्या है बेटा, अगर मैं बात करती हूँ यूनिवर्स की, इफ दिस इज द यूनिवर्स, ठीक है, अगर ये यूनिवर्स है तो आपको इस यूनिवर्स के अंदर
यूनिवर्स बेसिकली भाई किस चीज से बना है? तो यूनिवर्स बना होता है बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलकर। यूनिवर्स जो है बेटा वो बना है बहुत सारी गैलेक्सीज। तो आप कह सकते हैं दिस इज द यूनिवर्स, दीज आर दी गैलेक्सीज, और जिसमें से हम मान लेते हैं इस गैलेक्सी का नाम है दिस इज द मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी पता है आपको, जिसमें हम हैं, जिसमें हमारा अर्थ आता है। ठीक है, सो गैलेक्सीज के अंदर बेसिकली क्या होता है? गैलेक्सी भाई किस चीज की बनी है? तो गैलेक्सीज के अंदर आपको दिखते हैं बेटा स्टार्स, ठीक है, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। एक गैलेक्सी में आपको मिलते हैं स्टार्स, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। तो याद रखेंगे बेटा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। एक यूनिवर्स जो है बेसिकली किससे बना है? यूनिवर्स के अंदर आपको बहुत सारी गैलेक्सी दिखती है, जैसे कि हमारी जो गैलेक्सी है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो कौन सी गैलेक्सी में है? इट इज मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? जहां बहुत सारे स्टार्स हैं, गैसेज हैं, डस्ट हैं। क्लियर? चलिए अगर हम बात करते हैं यूनिवर्स के बनने की, भाई यूनिवर्स जो है वो कैसे बना, तो यूनिवर्स को बनने के लिए जो थ्योरी हमें बताई गई, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है फॉर द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इज द बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि बहुत टाइम पहले, देखो 20 बिलियन ईयर है वो कह रहे हैं हम, तो उससे भी पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। देखिए लिखा होगा सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, जिसको तुम सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा धमाका था वो। ठीक है, इतना बड़ा धमाका हुआ, ठीक है, जिससे क्या हुआ, हर जगह छोटे छोटे टुकड़े फैल गए, आपका यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड होने लग गया। द यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर कम डाउन। धमाका हुआ तो बेटा पहले बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बाद में क्या हुआ, जो वो इतने पार्टिकल्स बने थे वो दूर दूर होने लगे, तो उससे क्या हुआ, टेम्परेचर भी धीरे धीरे डाउन हुआ। एक टाइम के बाद तो टेम्परेचर भी कम होगा ही होगा, ठीक है, टेम्परेचर जो है कम होने लग गया। बस आपको याद रखना है यूनिवर्स जो है हमारे बहुत बड़े धमाके से बना है, जिसे कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, सब पार्टिकल्स दूर दूर हुए, तो टेम्परेचर कम होना लग गया। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ बेटा, तो वहां पे कुछ गैसेस भी बनने लगी, लाइक यहाँ पे लिखा होगा, देखिए हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम लेटर, कुछ टाइम बाद यहाँ पे गैसेस बनी। अब ये गैसेस जो हैं ये कंडेंस हुई, कंडेंस होना, द गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशनल एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। यहाँ पे जो गैसेस थी बेटा वो कंडेंस होना स्टार्ट हुई और उन्होंने क्या बना दी, गैलेक्सीज, जो आज गैलेक्सीज हमें पता है वो गैलेक्सीज बना दी। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, अभी मैंने आपको बताया हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम आता है। अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर अगो। जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें कहा जाता है कि जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर अगो बनी होगी। समझ रहे हो, यूनिवर्स तो 20 है बेटा, लेकिन अर्थ कब बनी? अराउंड 4.5 बिलियन ईयर अगो। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है? यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, टाइमलाइन पूछ ले जाएंगे, जो मैंने आपको टाइमलाइन लिखवाई है वो आपको याद रखनी है। फिर आपको बताना है कि यूनिवर्स कैसे बना था, बिग बैंग थ्योरी से बना था। फिर आपका अर्थ कब बना, 4.5 बिलियन ईयर अगो बैक बना, ठीक है। जब अर्थ बना, ठीक है, तब वहां पे कोई एटमोस्फियर नहीं था। आज जो तुम्हें एटमोस्फियर हमारा दिखता है वो वैसा नहीं था। देयर वॉज नो एटमोस्फियर ऑन अर्ली अर्थ। अर्ली अर्थ बेटा जब अर्थ बना उस पर कोई एटमोस्फियर नहीं था। वहां पर आपको क्या देखने को मिलता था? वहां हमें देखने को मिलता था वॉटर वेपर, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है। जब अर्थ बना, देखो बेटा धमाका हुआ, धमाका हुआ, आपने देखा है अर्थक्वेक, नहीं सॉरी वोल्केनो, मतलब रियल में शायद नहीं देखा होगा, बट डिस्कवरी चैनल वगैरह पे कभी तो देखा होगा वोल्केनो। वोल्केनो जब फटता है ना, ऐसा होता है ना वोल्केनो इस शेप का, वोल्केनो जब फटता है उसमें से लावा निकलता है, मोल्टन मैटर जिसको कहते हैं, मोल्टन मैटर दैट इज लावा, ठीक है। सो जब हमारा अर्थ बना, क्यों इतना बड़ा धमाका हुआ था भाई, तो हमारे अर्थ पे भी क्या प्रेजेंट था, मोल्टन मैटर, जिसको हम लावा भी कह सकते हैं। तो उस मोल्टन मैटर से कुछ गैसेस रिलीज हुई, लाइक वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, ठीक है, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस वहां से रिलीज हुई और हमारा जो अर्ली अर्थ है वहां पर यही गैसेस आपको दिखी। अब जो सन था बेटा, देखो हमने कहा मिल्की वे गैलेक्सी बन गई है तो सन भी बन तो चुका है, ठीक है। सो यूवी रेज फॉर्म्ड
फ्रॉम द सन दे ब्रोक अप द वाटर, जो सन से, देखो अभी क्या है, यूवी रेज को रोक दिया जाता है क्योंकि एक ओजोन की कवरिंग है जो अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं आने देती। अभी तक तो कुछ एटमोसफियर बना नहीं है, ओजोन लेयर भी नहीं बनी है, तो यूवी रेज जो है अर्ली अर्थ में डायरेक्टली आ जा रही थी। वो यूवी रेज क्या करती थी, इस वाटर वेपर वगैरह को तोड़ रही थी। यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर, वाटर को उसने तोड़ा और किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। बट ये जैसे ही हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन का लाइटर वेट होता है, सो लाइटर हाइड्रोजन एस्केप उड़ गया, और जो ऑक्सीजन बना बेटा, वो ऑक्सीजन बनते ही अमोनिया और मिथेन के साथ कंबाइन कर गया टू अगेन फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मिथेन टू फॉर्म वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड। अब धीरे धीरे ओजोन लेयर बन गई, और जैसे जैसे कूलिंग हो रही थी, मैंने कहा था ना टेम्परेचर टाइम के साथ कम हो रहा था, तो वाटर वेपर जो है बेटा वो नीचे, पहले पानी वो वेपर की फॉर्म में था, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ बेटा वो जो पानी था बारिश की फॉर्म में नीचे आ गया, और जितने भी नीचे गड्ढे थे उन सबको भर दिया और ओशन बन गए। क्या बन गए बेटा, ओशन। अब ये लाइन याद रखेंगे, लाइफ जो है, लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इज अराउंड 4 बिलियन ईयर अगो, दैट इज अराउंड 4 बिलियन ईयर अगो। हाँ जी बेटा, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? तो आप याद रखेंगे कि जब हमारा अर्थ बना था, जब हमारा अर्थ स्टार्टिंग में बना, तो वहां पर कोई एटमोसफियर नहीं था, देयर वॉज नो अर्ली एटमोसफियर। जो मोल्टन मास था वहां से कुछ गैसेज रिलीज हो रही थी, लाइक वाटर वेपर, मिथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वही पूरे सरफेस पे प्रेजेंट थी। सन से जो यूवी रे लाइट आ रही थी वो वाटर को तोड़ रही थी, किसमें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन तो लाइटर है तो वो उड़ जा रहा था, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अमोनिया और मीथेन के साथ कंबाइन करके फिर से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बना रही थी। धीरे धीरे क्या हुआ, ओजोन लेयर बन गई, टेम्परेचर कम हो रहा था। जब टेम्परेचर कम हुआ बेटा अर्थ का, तो जो वो वाटर वेपर थे वो बारिश की फॉर्म में नीचे आ गए, और जितने भी आपके अर्थ पे गड्ढे थे वो सब भर गए पानी से, और आपके अर्थ पे क्या आ गया बेटा, बहुत ज्यादा पानी ही पानी, ओशन बन गया। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट आ जाती हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखो हमने अर्थ बना दिया, अब हम देखते हैं कि जो अर्थ पे लाइफ है वो कैसे आई, तो उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं और बहुत सारी रिजेक्ट हुई हैं ये। सबसे पहले है बेटा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट थ्योरी जो हम पढ़ते हैं फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, दैट इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है कि जो अर्थ पे आज जो तुम्हें लाइफ दिख रही है, हम हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, इस थ्योरी के हिसाब से भाई ये सब जो है सब भगवान ने बनाया है। ठीक है, ऐसा कुछ इवोल्यूशन हुआ ही नहीं जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये एक थ्योरी कहती है कि जैसा आज है भगवान ने हमें ऐसा ही भेजा था, और हम ऐसे ही है, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है। सो ये थ्योरी का कहना यही है, दिस इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसके हिसाब से लाइफ जो है इट वॉज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर्स। ठीक है, सुपर नेचुरल पावर्स हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बेटा इनका कहना है कि सीधा दो लोग धरती पर आ गए थे और हम उन्हीं के अंश हैं, एडम एंड ईव। एडम और ईव आ गए थे, रुको, एडम वो हिंदू नहीं था, ये तो बाइबल होगा, मनु और श्रद्धा हिंदू माइथोलॉजी है ना, तो मनु एंड श्रद्धा हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बेटा दो लोग भगवान के मतलब रूप में आए, जिसको हम कह सकते हैं मनु एंड श्रद्धा, और उन्हीं से ये पूरी जो आपकी आपको दिख रहा है अर्थ पे, हम सब इन्हीं के ही अंश हैं, ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से है। और बाइबल क्या कहती है, बाइबल के हिसाब से यहाँ पर बने थे पहले एडम एंड ईव। तो बेसिकली सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इवोल्यूशन नहीं हुआ था, सीधा ही ये दो जो हैं हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से मनु और श्रद्धा बने, और बाइबल के हिसाब से एडम और ईव बने, और हम उन्हीं के क्या हैं,
वंश हैं, ठीक है। बट ऑफ कोर्स इस थ्योरी को हमने रिजेक्ट कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक हमें कोई प्रूव नहीं मिला। सो इस थ्योरी, दिस थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड, दिस थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड। नेक्स्ट थ्योरी जो थी बेटा, दैट इज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायोजेनेसिस, या इसको हम कहते हैं ओटोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, ए बायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस। देखो ये थ्योरी क्या कहती है, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर स्पॉन्टेनियसली। लाइफ जो है नॉन लिविंग मैटर से बनी बेटा, स्पॉन्टेनियसली एकदम से बन गई। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर स्पॉन्टेनियसली, समझेंगे बेटा, ए बायोजेनेसिस मतलब लाइफ बनी है नॉन लिविंग मैटर से। अब इसका मतलब क्या, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि एक रिवर है नाइल रिवर, ठीक है। वो कहते हैं कि जब नाइल रिवर में जो मड है, मड मतलब होता है गिल्ली मिट्टी, दलदल टाइप की मिट्टी जो होती है, जब वो मिट्टी सन की गर्मी से, सन की लाइट से जब गर्म हुई, तो बेटा वहां से डायरेक्टली फ्रॉग बन गए, टोड बन गए, स्नेक बन गए, क्रोकोडाइल बन गए। मतलब थोड़े सुनने में भी अजीब लग रहा है, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। सो इन्होंने बोला द मड इन द नाइल रिवर, एग्जाम्पल में लिखेंगे mud in Nile river when warmed by sun give rises to frog, toad, snakes, crocodiles, एक्सेट्रा, ठीक है। सुनने में भी अजीब लग रहा है ना कि मिट्टी को गर्म करो और वहां से फ्रॉग बन गया, टोड बन गया, स्नेक बन गया, क्रोकोडाइल बन गया, मतलब किसी नॉन लिविंग, मिट्टी तो नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग चीज बन गई। तो ऑफकोर्स दिस थ्योरी वॉज रिजेक्टेड, इस थ्योरी को भी बेटा रिजेक्ट कर दिया गया। तो हमने दो थ्योरी की है अभी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अगर कोई लिखना चाहता है तो इसको प्लीज फटाफट से लिख सकता है, फटाफट से इसको लिख दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी आती है बेटा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बाय लुईस पाश्चर, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइफ है इट कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज द स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे मेनली तीन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, लुईस पाश्चर तो थे ही थे, साथ में रेडी एंड स्प्लैनजेनी भी थे, लुईस पाश्चर, रेडी एंड स्प्लैनजेनी, ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट थे बेटा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था देखिए, इन्होंने एक फ्लास्क लिया कुछ इस टाइप का, मान लीजिए दिस इज द फ्लास्क, ठीक है। ये है बेटा इसकी नेक, ये है इसकी इस तरीके से नेक, ठीक है। यहां पर इन्होंने क्या लिया, अंदर की तरफ लिया न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है, जिसे इन्होंने बोल दिया ब्रोथ। आप समझ सकते हैं ब्रोथ का मतलब है न्यूट्रिएंट मीडिया। इन्होंने क्या किया, इस ब्रोथ को बेटा बॉइल करवा दिया। ये नीचे इन्होंने इसे ऐसे फायर लगाई, दिस इज फायर, ठीक है, दिस ब्रोथ इज बॉइल्ड, इसको बॉइल किया। जैसे ही बॉइल किया बेटा, आप समझिए यहाँ पर जो भी वाटर था वो इवेपोरेट हुआ, इस पाइप से जाने लगा, और यहाँ पे जहाँ उसको जगह मिली, ये वाटर यहाँ पे क्या हुआ भाई, बैठ गया। वाटर वेपर जो आए थे बेटा यहाँ पे आके वो कंडेंस हो गए, तो यहाँ पानी हो गया। अब एटमोसफियर के अंदर तो देखो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, स्पोर्स हैं, तो जब वो सब यहाँ से जाने लगे, वो इस पानी के अंदर यहाँ ट्रैप हो गए और वो कोई भी चीज़ अंदर नहीं जा पाई। और देखा गया कि कुछ टाइम बाद भी ये ब्रोथ के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई। तो उन्होंने कहा बेटा कि लाइफ से ही लाइफ बनती है, यहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं आ पाई, इसलिए इस ब्रोथ के अंदर किसी भी चीज़ का ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो जर्म्स थे
जर्म्स गेट लेडन इन वॉटर वेपर ऑफ दिस नेक. ये जो नेक थी बेटा, यहाँ पे वॉटर वेपर जो थे जर्म्स यहीं पे लेडन हो गए, यहां तक गए ही नहीं, तो यहां पर इन्हें कोई लाइफ नहीं दिखी, नो लाइफ. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इनका जो ये फ्लास्क था इन्होंने इसकी ये नेक जो है उसको तोड़ दिया. ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटा, इस फ्लास्क की नेक को यहां से तोड़ दिया इस तरीके से. ठीक है, और ये इनका ब्रोथ था. अब इन्होंने देखा कि इस ब्रोथ के अंदर भाई बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन सब की ग्रोथ होने लग गई. कैसे, क्योंकि यहाँ पे आई बेटा फ्लाइज, और वो फ्लाइज के पैरों पे लग गए स्पोर्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो लग के सब अंदर गए और यहाँ पे क्या हो गई बेटा, ग्रोथ हो गई. देयर इज ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया, मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया. तो उन्होंने कहा देखो भाई लाइफ से ही लाइफ बनती है, ऐसे तो लाइफ नहीं बनती. मीन्स लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. आज अगर हम इस चीज की बात करते हैं कि लाइफ जो है एक लाइफ से दूसरी लाइफ बनती है, तो बात समझ आती है. हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये थ्योरी इस चीज को तो एक्सप्लेन नहीं कर पाई ना कि भाई ठीक है लाइफ से लाइफ तो बन रही है, लेकिन वो पहली लाइफ जो है अर्थ पे वो कैसे बनी थी वो तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो ऑफकोर्स दिस वॉज ऑल्सो डिसअप्रूव्ड. ठीक है, इसको भी डिसअप्रूव कर दिया बेटा, क्योंकि ये भी ये नहीं बता पाई कि पहली लाइफ जो है वो कैसे बनी थी. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ पैन स्पर्मिया, या जिसको कॉस्मोजोइक थ्योरी या स्पोर थ्योरी भी कह देते हैं. ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कह रही है कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ आई है, ठीक है, वो किसी और प्लैनेट से आई है, वो किसी और प्लैनेट से आई है. ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम अदर प्लैनेट, लाइफ ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम अनदर प्लैनेट या आउटर स्पेस कहीं से भी. ठीक है, एज अ यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ कम्स ऑन अर्थ एज अ यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड एज स्पोर, एक स्पोर की फॉर्म में बेटा जो लाइफ है अर्थ के ऊपर आई किसी आउटर स्पेस से, आउटर स्पेस से या यूं कहिए आउटर किसी प्लैनेट से. ठीक है, इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया या स्पोर थ्योरी. और ये थ्योरी जिस साइंटिस्ट ने दी थी उनका नाम था अरहेनस. ये थ्योरी जिस साइंटिस्ट ने दी थी बेटा उनका नाम है अरहेनस. क्लियर है, क्लियर. अब जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है फॉर द रीजन ऑफ लाइफ, दैट इज द ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी, या जिसको हम कह देते हैं मॉडर्न थ्योरी, या जिसको हम कह देते हैं मॉडर्न थ्योरी बेटा, या जिसको हम कह देते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. ठीक है, सो ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी, या जिसको कहेंगे मॉडर्न थ्योरी या थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी. लोग जो पैनस्पर्मिया वाली थ्योरी है बेटा ऊपर वाली, उसको भी काफी साइंटिस्ट आज तक मानते हैं, बट ओवरऑल जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन या ओपेरिन हाल्डेन थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी. ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से इन्होंने एक चीज बोली, एक बात बोली बेटा, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बायोजेनेसिस देयर आफ्टर. ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बायोजेनेसिस देयर आफ्टर, मतलब सबसे पहले जितने भी इनऑर्गेनिक चीजें थी वो सब मिली. ठीक है, मतलब ए बायोटिक जिनके अंदर कोई जान नहीं थी वो इनऑर्गेनिक चीजें मिलकर उन्होंने क्या बना दिया भाई, ऑर्गेनिक चीज बनाई. सो पहले ए बायोजेनेसिस हुआ, उसके बाद बायोजेनेसिस हुआ. इनके हिसाब से ओपेरिन हाल्डेन ने एक थ्योरी दी, इनके हिसाब से क्या था
कि जब अर्ली अर्थ बना था तो देयर वॉज रिड्यूसिंग एटमोसफियर। रिड्यूसिंग एटमोसफियर का मतलब है बेटा कि अर्थ पे उस टाइम पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं था। सिंपल सी बात है भाई, नहीं था। जो भी ऑक्सीजन बन रहा था वो सब मिथेन वगैरह के साथ कंबाइन होके उसी टाइम पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सब बना देता था। तो अर्ली अर्थ पर भाई ऑक्सीजन नहीं था, दैट इज अ रिड्यूसिंग एटमोसफियर। तब बहुत हाई टेम्परेचर था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस हो रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसे बिजली चमक रही थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्पार्किंग या लाइटनिंग का मतलब है बेटा बिजली चमक रही थी। तो अर्ली अर्थ पर, ठीक है, ये सब क्या है, अर्ली अर्थ। ठीक है, जो अर्ली अर्थ थी बेटा उस पे ये सब चीजें थी। रिड्यूसिंग एटमोसफियर था, हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग और लाइटनिंग हो रही थी। अब इन सब चीजों की वजह से जो हमने गैसेस की बात की थी, लाइक मिथेन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये सब एक दूसरे से जुड़ने लग गई। ये सब जो है बेटा किसके बने, कार्बन हाइड्रोजन इन सब के तो बने हैं। ये सब आपस में जुड़ने लग गए, और जब ये जुड़ते हैं तो क्या बनने लग गया बेटा, अमीनो एसिड बना, ठीक है। वहां से आपका न्यूक्लियोटाइड बन गया। ये सब जो छोटी छोटी चीजें होती है ना आपकी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये सब बनने लगे, लाइक फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब बनने लग गए। जब ये बने तो फिर ये आपस में कंबाइन करके बेटा प्रोटीन बनाने लग गए, न्यूक्लिक एसिड बनाने लग गए, है ना, फैट्स बनाने लग गए, लिपिड्स बनाने लग गए। देखिए मैं आपको लिखवाती हूँ ये चीज, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं बेटा ओपेरिन और हाल्डेन थ्योरी की। ये थ्योरी हमें क्या कहना चाह रही है कि जो हमारा अर्ली एटमोसफियर था, अरे भाई ठीक है, ये थ्योरी के हिसाब से बेटा जो अर्ली एटमोसफियर था वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर वेपर थे, अमोनिया था, मीथेन था, ये सब चीजें थी अर्ली एटमोसफियर पर, ठीक है। कैसा था भाई, रिड्यूसिंग एटमोसफियर था, वहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं थी। ये सब चीजें बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड द लाइटनिंग, बिकॉज ऑफ लाइटनिंग एंड हाई टेम्परेचर, ये सब चीजें आपस में कंबाइन होने लगी। और जब कंबाइन हुई तो इन्होंने मिलकर बना दिया बेटा अमीनो एसिड बना दिया, फैटी एसिड बना दिया, ग्लिसरॉल बना दिया, न्यूक्लियोटाइड बना दिया, ठीक है। ये सब चीजें बनाने लग गई, और क्योंकि पूरा का पूरा पानी था, देखो मैंने आपको बताया पहले क्या था, पानी ही तो था, तो पानी के अंदर ये सब चीजें बनी, तो आप यूं कह दीजिए एक हॉट सूप बन गया। क्या बन गया, हॉट सूप, ठीक है। अब इस हॉट सूप में क्या हुआ, ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये आपस में कंबाइन होने लगे, तो ऑफ कोर्स यहां से बन गया भाई प्रोटीन, फैट बन गया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड बन गया, ये सब चीजें बनने लग गई, ठीक है। एंड दीज आर कॉल्ड एज, दीज आर द बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। अब ये जितने भी बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स थे बेटा, ये सब आपस में कंबाइन होने लग गए। ये सब ऐसे एक जगह प्रेजेंट है, मान लीजिए कोई प्रोटीन है, कोई लिपिड है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब एक जगह पे प्रेजेंट थे, ठीक है। और इनके अराउंड यूं कह लीजिए एक मैम्ब्रेन बन गई। मैम्ब्रेन कैसी, एक वॉट पानी पानी है ना, तो पानी की ही एक मैम्ब्रेन बन गई। जैसे बबल नहीं होता, बबल देखा है ना बेटा, बबल में भी क्या है, पानी की ही तो लेयर, ऐसा बबल सा बन गया। उसके अंदर ये हर चीज है, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीज है, और इसे हमने कह दिया दिस इज अ प्रोटोबायोंट, दिस इज अ प्रोटो बायोंट। और इस प्रोटोबायोंट से अल्टीमेटली ये सब चीजें कंबाइन होने लग गई, और इस प्रोटोबायोंट से बेटा अल्टीमेटली बन गया आपका पहला प्रिमिटिव प्रोकैरियोट। से क्या बन गया आपका पहला प्रिमिटिव प्रोकैरियोट। तो आप देखिए हमने क्या कहा, इनऑर्गेनिक चीजें थी बेटा, ये सब मिलकर क्या बनाने लग गई, ऑर्गेनिक चीजें, और फिर उससे बन गई भाई आपकी लाइफ। तो ए बायोजेनेसिस से क्या हो गया है, बायो
जेनेसिस हो गया है। समझ आ रही है बेटा आपको बात? फिर से समझेंगे, जब हम बात करते हैं पहले एटमोस्फियर की, अर्थ की हमारी, तो वहां पे बहुत हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही थी, साथ में ये गैसेस थी। अब ये हाई टेम्परेचर और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में तो यही तो करते हैं, हाई टेम्परेचर दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, तो वहां तब भी अर्थ पे यही हो रहा था बेटा। इन सब की वजह से ये सब कंबाइन होने लग गए, आपके बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बने, फिर उससे मैक्रो मॉलिक्यूल बने, और ये सब आपस में जुड़ के इन्होंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दिया। पहले जब ये जुड़े उसको बोला गया प्रोटोबायोंट, फिर यहां से आपका बन गया पहला प्रिमिटिव प्रोकैरियोट। हां जी बेटा, क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्या ये बात क्लियर है? चलिए, ये सब कुछ कहा ओपेरिन और हाल्डेन ने, तो ठीक है उन्होंने कह दिया। अब कैसे हम मान ले कि ऐसा हुआ था? तब आए एक साइंटिस्ट आए बेटा जिनका नाम था मिलर, ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिनका नाम था मिलर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम कहते हैं मिलर्स एक्सपेरिमेंट। मिलर्स एक्सपेरिमेंट, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर सिमिलर कंडीशंस जो हैं क्रिएट की जो अर्ली अर्थ पे होती थी, साथ में इन्होंने लिया बेटा मिथेन, ठीक है, इन्होंने क्या क्या चीजें ली है, मिथेन लिया, अमोनिया लिया और हाइड्रोजन लिया। किस प्रपोर्शन में लिया? 2:1:2, 2:1:2 प्रपोर्शन में लिया। ये इन्होंने एक पूरा प्रेटस बनाया, यहाँ पे देखिए आप, इन्होंने क्या ले लिया, ये मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन, ये सब लिया। यहाँ का जो टेम्परेचर इन्होंने दिया बेटा, यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर रखा अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सेम, और रिड्यूसिंग एनवायरमेंट रखा, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं था, ठीक है, इन्होंने सेम एनवायरमेंट रखा। और धीरे धीरे इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जो वाटर था उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना शुरू हो गए, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने देखा बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना शुरू हो गए। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली यहाँ बने? यहाँ उन्होंने देखा बेटा बन चुका था ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड। ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ये ऑफ कोर्स अमीनो एसिड हैं, ये बन चुके थे। तो इससे हमें बेसिकली पता चल गया कि भाई हाँ, ओपेरिन और हाल्डेन ने जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक है कि पहला जो अर्ली एटमोसफियर था वहाँ पे जो उस टाइम पे जो एनवायरनमेंट था, हाई टेम्परेचर था, इतनी गैसेस थी, इन सब ये इनकी वजह से सब कंबाइन हुए और इस इनऑर्गेनिक चीज़ों से ऑर्गेनिक चीज़ें बनने लग गई थी। तो इनके एक्सपेरिमेंट में भी ये चीज़ें बनी। जैसे जैसे आप इन गैसेस का बेटा रेशियो चेंज करते हैं वहाँ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बननी शुरू हो गई। तो मिलर एक्सपेरिमेंट ने बेसिकली ये प्रूव कर दिया कि हाँ, ओपेरिन और हाल्डेन जो है वो सही बात बोल रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने भाई सही बात बोली है, ठीक है बेटा। क्या ये बात क्लियर हुई है सभी को? हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पैनस्पर्मिया एन आइडिया दैट इज स्टिल अ फेवरेट फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। मीन पैनस्पर्मिया का क्या मतलब था बेटा? कि जो अर्थ पे लाइफ है वो स्पोर की फॉर्म में आई है किसी और प्लैनेट से। ट्रांसफर ऑफ स्पोर एज अ यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम अदर प्लैनेट ऑफ अर्थ, मतलब ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर मैं समरी ऑफ ओरिजन ऑफ लाइफ की बात करूँ, देखो एक चीज तो हमें पता चली गई है कि पहले प्रिमिटिव प्रोकैरियोट कैसे बना। तो आपका यहाँ पे प्रोकैरियोट तो बन चुका है, ठीक है, क्या बना है बेटा? प्रोकैरियोट तो बन चुका है। अब ये जो पहला प्रोकैरियोट बनता है, देखो ऑक्सीजन तो अभी भी नहीं थी, ऑक्सीजन तो अभी भी नहीं थी, तो ये जो पहला प्रोकैरियोट बना था बेटा, पहली बात तो ये एनएरोबिक था क्योंकि एनवायरमेंट में उस टाइम पर ऑक्सीजन नहीं थी। फिर दूसरा, ये जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना था यूनिसेल्यूलर, ये केमिकल से ही अपना गुजारा चला रहा था, दैट इज इट वाज कीमो हेटरोट्रोप। जो पहला आपका प्रोकैरियोट बना था बेटा, इट वाज एनारोबिक कीमो हेटरोट्रोप। क्या था बेटा? एनारोबिक कीमो हेटरोट्रोप, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बने आपके प्रोकैरियोटिक
जो एनारोबिक कीमो हेटरोट्रोफ, उसके बाद बने आपके, अभी भी एनारोबिक तो हैं ही बट वो खाना अपना खुद से बनाने लग गए, एनो एनारोबिक कीमो ऑटोट्रोफ, अभी वो केमिकल से ही खुद से खाना बना रहे हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स, एनारोबिक कीमो ऑटोट्रॉप्स फिर बने बेटा एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स, अब वो लाइट का यूज करके खाना बना रहे हैं, फिर बन गए आपके अल्टीमेटली ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। और जब ये बन गए तो उसके बाद फिर यूकैरियोट्स बनने शुरू हो गए, मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनने स्टार्ट हो गए, और फिर मतलब यूकैरियोट्स बने और उसके बाद फिर जो आपको आज के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं वो सब ऑफ कोर्स इवोल्यूशन से बन गए। तो आपको याद रखना है कि पहले जो आपका प्रोकैरियोट बना था, जो यूनिसेल्यूलर सेल बना था बेटा, वो कैसा था, एनएरोबिक था, कीमो हेटरोट्रोप था, खुद से खाना तो नहीं बना सकता था। फिर उनमें थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ तो वहां से बने एनएरोबिक कीमो ऑटोट्रॉप्स, फिर बने बेटा एनएरोबिक बट फोटो ऑटोट्रॉप्स, फिर बने आपके ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप जो ऑक्सीजन रिलीज करने लग गए, मतलब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन आ गया, वहां से यूकैरियोट्स बने और फिर उसके बाद बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ये थोड़ा सा आप याद रख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले क्या बना था, तो आपको याद रख रहा है प्रोकैरियोट जो थे दैट वर एनएरोबिक कीमो हेटरोट्रॉप, कैसे थे बेटा, एनएरोबिक कीमो हेटरोट्रॉप्स। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्लियर, चलिए देखो यहाँ पे हमारी बुक में एक चीज लिखी भी हुई है, वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लीकेटिंग मेटाबोलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज, कैसे वो बने। द पहला जो नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है, इट कुड हैव बीन ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर अगो, मैंने आपको लिखवाया था नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, जैसे कि प्रोटोबायोन्ट्स वगैरह है, वो 3 बिलियन ईयर अगो पहले बने। दे वुड हैव बिन, क्या होंगे वो जायंट मॉलिक्यूल जिसमें आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, पॉलीसेक्राइड्स होगा, सब कुछ होगा। दीज कैप्सूल दे रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स, पर है हो सकता था शायद वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते थे, फिजन बडिंग शो करते थे। द पहला सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर अगो या 2 बिलियन ईयर अगो। दीज आर प्रोबेबली द सिंगल सेल, ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वॉटर एनवायरमेंट, पहले तो सिर्फ पानी था ना, तो पहली लाइफ भाई पानी में ही बनी थी। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेज फ्रॉम द नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी, मतलब ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई कि पहले इनऑर्गेनिक चीजें थी, ठीक है, ए बायोटिक जो चीजें थी उससे आपकी बायोटिक, आपकी ऑर्गेनिक लाइफ बनी है, ये जो है बेटा सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। क्लियर है ये बात? क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है एक और चीज आपकी बुक में दी हुई है, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ अर्थ थ्योरी। ये पैराग्राफ हमें क्या चीज बताता है, पढ़ेंगे इसको ध्यान से। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, मैंने आपको बताया था बेटा जो हमारे ये बाइबल हैं या हिंदू माइथोलॉजीज की जो बुक है वो क्या कहती हैं, स्पॉन्टेनियस हर चीज एकदम से बनी है, सुपर नेचुरल पावर से बनी है, ठीक है। दिस थ्योरी हैज 3 कोनोटेशंस, ये 3 चीजें बताती है हमें। पहली, दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीशीज और टाइप्स दैट वी सी टूडे वर क्रिएटेड एट सच, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे है आज जैसे है वैसे ही, मतलब ऐसा ही बना था सब कुछ, कुछ इवोल्यूशन नहीं हुआ। दूसरा ये कहते हैं दैट द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन, ठीक है, एंड विल बी सेम इन द फ्यूचर, वो कह रहे हैं ऐसे ही बनी थी, ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, ठीक है। देन 3, द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड अगो, बस ये कहते हैं कि बस 4000 हुए हैं, हम कहाँ बिलियन मिलियन की बातें कर रहे हैं, ये इस थ्योरी के हिसाब से कि अर्थ जो है सिर्फ 4000 साल पुरानी है,
ऑल दीज आइडियाज वर स्ट्रॉन्गली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. ये सब चैलेंज कर दिए गए बेटा, डिसअप्रूव कर दिए गए बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वोएज इन अ सेल शिप कॉल्ड एज HMS बीगल राउंड द वर्ल्ड. चार्ल्स डार्विन, किसकी बात करें बेटा, चार्ल्स डार्विन आपके एक साइंटिस्ट थे जो अपनी शिप के अंदर घूम रहे थे हर जगह. उनके शिप का नाम था HMS बीगल, ठीक है. उन्होंने क्या कहा, ही कंक्लूडेड दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म दे शेयर सिमिलैरिटी टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट ऑल्सो विद द लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर अगो. उन्होंने कहा कि आज जो लाइफ फॉर्म हमें दिख रही है उनमें आपस में तो सिमिलैरिटी है ही, उनके अंदर वो फीचर्स भी हैं जो मिलियन ऑफ ईयर पहले जो स्पीशीज रही होंगी उनसे भी मिल रहे हैं. मैनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर. अब तो बहुत सारी लाइफ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, ठीक है. और बहुत सारी चीजें बेटा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और बहुत सारी नई लाइफ फॉर्म जो है इस अर्थ पे बनी है. देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म. यहाँ पे जो इवोल्यूशन हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है. एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन करेक्टरिस्टिक. दोज करेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल देम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन लाइक क्लाइमेट, फूड, फिजिकल factors etc. would outbreed other that are less endowed to survive under such natural conditions. इनका कहना था बेटा, चार्ल्स डार्विन का कहना था कि हर एक स्पीशीज के अंदर उसकी क्षमता होती है कि वो एक एनवायरनमेंट में, कि कोई ठंडे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा गर्म में कहीं सूखा पड़ गया, ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो स्पीशीज जिंदा रह जाती है साथ साथ में अपने बच्चे पैदा करती है, ठीक है, वही स्पीशीज धरती पे रहेगी. और वो स्पीशीज जो उस एनवायरनमेंट में नहीं जिंदा रह पा रही है, नहीं रिप्रोड्यूस कर पा रही है, वो खत्म हो जाएगी. तो सिंपल सी बात है भाई, जो ज्यादा फिट है वही हिट है, जो फिट है वो हिट है. सो अनदर वर्ड यूज्ड इज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, जो ज्यादा फिट वही हिट, ठीक है. सो फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस. यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करें, सिंपल सी बात है, अगर आप एक एनवायरनमेंट को झेल गए हैं तो रिप्रोड्यूस भी कर लेंगे. हैंस दोज हु आर बेटर फिट इन एनवायरनमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन द अदर. प्रोजेनी क्या है, मतलब अपने बच्चे, आने वाली अपनी पीढ़ी, ठीक है. Therefore will survive more and hence selected by the nature. तो नेचर के अंदर सिर्फ वही रह सकता है या नेचर उन्हीं स्पीशीज को सिलेक्ट करता है बेटा जो ताकतवर होती हैं, जो रिप्रोडक्टिवली फिट होती हैं, जो अपने उस नेचर के अंदर, उस एनवायरमेंट के अंदर अपनी नई जनरेशन जो हैं वो बना सकती है. He called it natural selection. उन्होंने क्या कहा बेटा इसको, natural selection. और चार्ल्स डार्विन ने कहा कि natural selection ही है mechanism of evolution. याद रखेंगे आप इस बात को, ठीक है. डार्विन के हिसाब से जो evolution हुआ है बेटा, evolution जो है वो किस वजह से हुआ है, due to natural selection. ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्फर्ड वॉलेस. एक नेचुरलिस्ट थे बेटा जो नेचर में काम करते हैं. वो एक और आइलैंड पे काम कर रहे थे. आइलैंड बेसिकली जब बहुत सारे आइलैंड को एक साथ हम मिला देते हैं तो हम कह देते हैं आर्किपिलैगो, इन मलाय आर्किपिलैगो. यहाँ पे वो काम कर रहे थे और वो इस कॉन्क्लूजन पे आए, वो भी मतलब सिमिलर कॉन्क्लूजन पे आए जो डार्विन ने कहा, वही सेम सी चीज एल्फर्ड वेलेस ने भी कही. इन्होंने कहा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिकॉग्नाइजेबल. ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म दे शेयर सिमिलैरिटी एंड हेंस शेयर कॉमन एंसेस्टर्स. जो भी आज की लाइफ फॉर्म्स हैं उन आपस में बहुत ज़्यादा मिलती हैं और उनके एंसेस्टर्स भी जो हैं वो हमारे जो पूर्वज हैं वो सेम ही तो रहे होंगे. हाउएवर दीज एंसेस्टर्स वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ. ठीक है, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ. जियोलॉजिकल हिस्ट्री मतलब जो आपकी अर्थ की एज है उससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारी लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो भी कितनी पुरानी रही होंगी.
ठीक है, अ कॉमन परमिसिबल कॉन्क्लूजन इज दैट अर्थ इज वेरी ओल्ड, अर्थ बहुत पुराना बेटा, नोट थाउजेंड ऑफ ईयर्स वॉज थॉट टू बी अर्लियर बट बिलियन ऑफ ईयर, ठीक है। सो जो अर्थ कह रहे हैं ना, जैसे स्पेशल क्रिएशन कह रही है भाई बस 4,000 साल हुए अर्थ को बने हुए, ऐसा कुछ नहीं है, अर्थ को बने हुए भी बिलियन ऑफ ईयर हो गए हैं और सिमिलर फॉर अवर लाइफ। क्लियर है ये बात, क्लियर है बेटा ये बात सभी को। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आता है आपका, ये आपका हो गया बेटा। नेक्स्ट आएगा आपका एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। हमारे पास ऐसे क्या एविडेंसेस हैं जो शो करते हैं कि भाई इवोल्यूशन जो है वो हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले जो हम कर रहे हैं दैट इज द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब है बेटा वो एविडेंसेस जो हमें फॉसिल रिकॉर्ड से मिले हैं, वो एविडेंसेस जो हमें फॉसिल रिकॉर्ड से मिले। अब आई होप कि सबको फॉसिल पता होगा। फॉसिल क्या होता है बेटा, किसी भी एक एनिमल का डेड रिमेन, जो उसके हार्ड पार्ट जो रह जाते हैं रॉक्स के अंदर दबे हुए, जमीन में दबे हुए, उसे हम फॉसिल कह देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, डेफिनेशन देखिए बेटा, फॉसिल्स क्या होते हैं, दे आर द रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स, जो किसी भी पत्थर के अंदर, कहते हैं ना कि वहां पे हमने खुदाई की, खुदाई करते वक्त किसी का कंकाल मिल गया, कुछ भी मिल गया, बहुत ही पुराने जमाने का है जब उसकी हमने स्टडी की, ठीक है। कार्बन डेटिंग बेसिकली उसके अंदर करते हैं, किसी की भी चीज़ का, किसी भी बोन का एज पता लगाने के लिए उसका कार्बन डेटिंग करते हैं, और पता चलेगा वो तो पता नहीं कितने साल पुराना है भाई, थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, मिलियन ऑफ ईयर साल पुराना है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, फॉसिल कह देते हैं। सो फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन द रॉक्स, ठीक है। सो ये जो फॉसिल्स मिले हैं, इनकी जब स्टडी की गई, इनकी एज का पता लगाया गया, तो पता लगा भाई लाइफ तो बहुत पुरानी है, ठीक है। सो रॉक्स जो है बेटा, जो आपके पत्थर हैं, दे फॉर्म द सेडिमेंट्स, मतलब क्या हुआ, जैसे पहले ये एक मिट्टी है, इसके ऊपर दूसरी मिट्टी की लेयर आ गई, फिर तीसरी मिट्टी की, फिर चौथी, ऐसे पूरा क्या बन जाता है, एक रॉक बनता है, और रॉक की हर लेयर जो है अलग अलग एज, अलग अलग एरा बताएगा। देखिए, एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट शोज अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर द अनदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ, डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म, ठीक है। जैसे हमें रॉक की एज पता चलेगी, उस लेयर की एज पता लगेगी, अच्छा ये उस ईयर में था, ठीक है, इसकी एज ये है, ये इतना साल पुराना है, तो वहां पे जो फॉसिल होगा बेटा उसकी एज भी तो उतनी पुरानी होगी ना, तभी तो वो वहां पे कोई एनिमल रहा होगा, तभी वो उसमें मरा होगा और दबा होगा, ठीक है। सम अपीयर सिमिलर टू द मॉडर्न, अभी जो हमें फॉसिल्स मिल रहे हैं, जो ये हार्ड रिमेन्स हमें एनिमल्स के मिल रहे हैं पुराने पुराने, उनकी जब स्टडी की गई तो पता लगा कि बहुत सारे जो हैं दे आर सिमिलर टू द मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, और कुछ ऐसे भी हैं बेटा उन एनिमल से मिलते हैं जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो धरती पर नहीं है, जैसे कि डायनासोर। डायनासोर हमें पता है थे, बट वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट सेडिमेंट लेयर इंडिकेट जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। तो जो भी हम एक फॉसिल की एज को पढ़ते हैं, कौन सी वो लेयर में मिला था वो पढ़ते हैं, तो वो हमें बताता है कि वो हमारी अर्थ की किस टाइम में रहा होगा। सो इट इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। जियोलॉजिकल पीरियड मतलब आप कह सकते हैं कौन सी अर्थ एज में रहा होगा। पता है ना, अर्थ हमारा 4.5 बिलियन ईयर पहले बन गया था, ठीक है। नाउ इसी से एक रिलेटेड चीज है, मिसिंग लिंक, हमारी बुक में तो ये नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। कुछ हमें ऐसे फॉसिल्स भी मिले हैं बेटा जो दो डिफरेंट ग्रुप के एनिमल्स के करेक्टर्स जो हैं वो एक ही एनिमल में मिल गए हैं, उन्हें हम कहते हैं मिसिंग लिंक। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं दैट इज द आर्कियोपेट्रिक्स। ये हमें मिला है उन रॉक्स में जो हमें जुरासिक पीरियड का टाइम बताता है। दे आर फाउंड इन द रॉक्स ऑफ द जुरासिक पीरियड, जब डायनासोर रहते थे, ठीक है। दे हैड करेक्टर्स ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ये जो हमें एक एनिमल मिला है, एनिमल कह लो, बर्ड कह लो, कुछ भी कह लो इसको, आर्कियोपेट्रिक्स, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बेटा, एक ऐसा एनिमल है जिसके पास दो ग्रुप्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके पास रेप्टाइल जैसे करेक्टरिस्टिक्स भी हैं और बर्ड जैसे भी हैं। रेप्टाइल जैसे, देखो बर्ड्स क्या होती हैं, बर्ड्स की अगर आपको याद हो तो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं कि बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं दे आर न्यूमैटिक,
होलो बोन्स होती हैं ताकि उनकी बॉडी जो है लाइट वेट होए, ताकि वो इजीली उड़ सके। लेकिन यहाँ पर इनकी बोन्स न्यूमेटिक नहीं थी, ठीक है, तो ये रेप्टाइल का करेक्टर हो गया। इनके पास जॉज थी और भी टीथ के साथ थी, ठीक है, एंड इनके पास क्लॉड टीथ थे। फिर इनके पास बेटा बर्ड वाले करेक्टर के पूरी बॉडी पे फेदर प्रेजेंट थे। जो इनकी जॉज है, देखो जॉज है वो बीक की फॉर्म में है और उसके अंदर टीथ है। सोचिए एक पंछी है, उसके पास ऐसे उसकी चोंच है, चोंची होती है, उसके अंदर दांत तो होते हैं लेकिन ये अजीब से ही है, चोंच भी है दांत भी है ना। जॉज आर मोडिफाइड इन टू बीक, फोरलिम्स जो है दे आर मोडिफाइड टू विंग। आप इसकी पिक्चर देखिए बेटा, ये पिक्चर देख सकते हैं आप, देखो कितना अजीब लग रहा है, देखो कितना डरावना लग रहा है इसका फेस। ये बीक है इसकी और इसमें टूथ टूथ है ना, टीथ प्रेजेंट है, तो टूथ्ड बीक, बीक होना मतलब कि बर्ड का करेक्टर और बीक में टीथ होना मतलब रेप्टाइल का करेक्टर। पूरी बॉडी पे फेदर्स हैं, आगे वाले जो पाम है वो फोर जो है वो बन गए हैं, इसके विंग्स बन गए हैं जिससे ये उड़ सकता है। दे हैव क्लॉड, ये है इनके, क्लियर, और लॉन्ग टेल है। तो बहुत सारे करेक्टर्स इनके पास ऐसे हैं जो रेप्टाइल्स के थे, और कुछ करेक्टर्स ऐसे भी थे जो बर्ड्स के थे। सो ये बर्ड्स और रेप्टाइल को जोड़ने का बीच का एक लिंक था। सो इट इज अ मिसिंग लिंक बिटवीन द एव्स एंड द रेप्टाइल्स, जिसे हम कहते हैं आर्कियोपेट्रिक्स। ऑफकोर्स ये जिंदा नहीं है, इसका फॉसिल ही मिला है। क्लियर है ये बात बेटा, क्लियर है। सो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा बुक में तो है नहीं, तो प्लीज इसको आप लिख लीजिए। मिसिंग लिंक क्या है? फॉसिल ऑर्गेनिज्म विच शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स लाइक आर्कियोपेट्रिक्स विच इज फाउंड इन द रॉक्स ऑफ द जुरैसिक पीरियड। इट हैज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द रेप्टाइल्स एंड द एव्स। रेप्टिलियन कैरेक्टर्स हैं ये और एवियन कैरेक्टर्स हैं वो वाले, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया प्लेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। दूसरा आप लिखेंगे बेटा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एविडेंस। ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? दीज वर गिवन बाय द अर्नस्ट हैकल। ये दिए थे बेटा किसने? अर्नस्ट हैकल ने। इनकी जो थ्योरी है उसे हम रिकैपिचुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक थ्योरी कहते हैं। ये बेसिकली इन्होंने एक टर्म बोली, दैट इज फाइलोजेनी रिपीट्स ओंटोजेनी, ठीक है। क्या बोला गया बेटा? या मैंने उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, उल्टा लिख दिया हमने। ओंटोजेनी होती है, ओंटोजेनी दैट इज डेवलपमेंटल थ्योरी, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है बेटा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और ओंटोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल पीरियड कह लो। अर्नेस्ट हैकल ने क्या कहा कि डेवलपमेंटल पीरियड, देखो क्या लिखा है, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, मतलब कि जब आप एम्ब्रियोलॉजिकल फॉर्म में हैं बेटा, जब आपका जन्म नहीं हुआ है, जब आपकी डेवलपमेंट हो रही है मदर के वोम में, तब आपके पास बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स आते हैं जो आप यूं मानिए कि जो डिफरेंट एनिमल्स के करेक्टर्स हैं वो आपके एम्ब्रियोलॉजिकल फॉर्म में आते हैं। जैसे देखो इन्होंने क्या बोला, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, एक लिखेंगे आप, देखो ये वाला देखो, डेवलपमेंट ऑफ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स बिहाइंड हेड विच आर नॉट फाउंड इन एडल्ट वर्टिब्रेट। जबकि जो जो गिल स्लिट्स हैं बेटा दे आर द फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश। गिल स्लिट्स जो हैं वो फिश में होते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि जब हमारी जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो हमारे यहाँ पे हेड के पीछे ना गिल स्लिट्स बनते हैं, ठीक है। सो ये क्या कहना चाहते हैं कि देखो इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऐसे हुआ कि पहले फिशेस बनी होंगी, फिर कहा जाता है रेप्टाइल्स, ठीक है, फिशेस सॉरी, पहले फिशेस, फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, फिर मैमल्स आए। तो ये कह रहे हैं कि जब हमारी डेवलपमेंट होती है ना तो बहुत सारे इवोल्यूशन वाले करेक्टर्स जो है, हमारे पूर्वज जिसको माना जा रहा है पता नहीं कभी कौन से जमाने में, उनके करेक्टर्स हमारे उसमें आते हैं, ठीक है। सो इसे हम क्या कहते हैं, रिकैपिचुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ। किसने दिया था? अर्नस्ट हैकल में, दैट इज ओंटोजेनी रिपीट्स द
फाइलोजेनी मतलब डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर आपके बहुत सारे इवोल्यूशनरी करेक्टर्स आते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि जब हमारी डेवलपमेंट होती है तो हेड के पीछे गिल्सलिट्स आते हैं, जो नॉर्मली हमारे एडल्ट, हमारे पास गिल्सलिट्स हैं क्या? नहीं है, बट किसके पास होते हैं? फिशेज के पास होते हैं। बट इस थ्योरी को बिल्कुल ही बकवास कह दिया। किसने कहा? कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। सो इट वॉज डिसअप्रूव्ड, इट वॉज, ये क्या हो गया, इट वॉज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। इन्होंने कहा भाई जो एम्ब्रियो है इट नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अनदर एनिमल। फिश एक अनदर एनिमल है, उसके करेक्टर तुम्हारे अंदर क्यों आएंगे भाई? बहुत ही गलत बात है। बात तो सही भी है, ठीक है, नहीं आएंगे। क्लियर है बेटा ये बात? क्लियर है, ठीक है, हाँ जी, क्लियर है ये बात सभी को, ठीक है। सो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट किसने दिया था? अर्नस्ट हैकल ने। उन्होंने क्या कहा? ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, मतलब कि कुछ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज दे आर कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग डेवलपमेंट। सब में ऐसे फीचर्स हैं तो सबके एम्ब्रियो में आते हैं, मतलब हमारे अंदर फिश के फीचर आते हैं जब एम्ब्रियो होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। इसको डिसअप्रूव किया गया बेटा, इस थ्योरी को किसने डिसअप्रूव किया था? कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने। याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया अर्नस्ट हैकल ने, इसको डिसअप्रूव किया कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने। हाँ जी, क्लियर है ये बात सभी को, ठीक है बेटा, क्या ये बात सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा इसमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो बेटा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या कहता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहता है, पहले आप समझिए, कि सेम स्ट्रक्चर है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फोरलिम्ब, हमारे ये जो फोरलिम्ब हैं, हमारे फोरलिम्ब ले लो, बैट के फोरलिम्ब ले लो, चीता के फोरलिम्ब ले लो, व्हेल के फोरलिम्ब ले लो, सबके सब क्या है, मैंने मैमल्स के नाम लिए, ठीक है। अब जैसे बैट है, बैट क्या करता है भाई? वो तो उड़ रहा है, उसने विंग बना लिए, ठीक है। व्हेल क्या कर रही है? उसे स्विम कर रही है ना, फिन बना लिए, ठीक है। चीता क्या कर रहा है? चीता के तो पाँव है, उससे वो भागता है, बहुत स्पीड पे भागता है, ठीक है। सो ये सबके जो फोर लिम्स हैं आपको दिख रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन जब आप इनकी एनाटॉमी पढ़ते हो तो आपको इनके फोर लिम्ब में वही चीज, वही बोन मिलेंगी जो हमारे होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, हर चीज इनके भी फोर लिम्स में मिलेगी, मतलब इनके पास एनाटॉमी सबकी सेम है, सबकी एनाटॉमी सेम है बेटा, लेकिन आप उनको देखोगे तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और ऑफ कोर्स उनका फंक्शन भी डिफरेंट है। एनाटॉमी सेम है लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। अब क्यों हुआ फंक्शन डिफरेंट? उन्होंने अडेप्ट किया अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से, जिस जगह वो रह रहे थे, जिस जगह की जो डिमांड थी, उन्होंने उस तरीके से खुद को अडेप्ट किया। सो उनके जो फोर लिम्स थे बेटा, उनके फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो गए, लेकिन एनाटॉमी आज भी सेम है। इस टाइप के इवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट मतलब एक जगह से स्टार्ट हुए, एनाटॉमी सबकी सेम है बेटा। देखो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, यहां पे एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं, एनाटॉमी सबकी सेम है लेकिन डाइवर्ज हो गए। डाइवर्ज का मतलब क्या है? डिफरेंट फंक्शन है ना। एक जगह से स्टार्ट हुए थे, इससे हमें क्या साबित होता है कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं वो एक ही रहे होंगे, ठीक है, वहीं से हम स्टार्ट हुए हैं, लेकिन हमने अपने आप को अडेप्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, तो एनाटॉमी तो सेम रह गई लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो गए। सो दिस इज डाइवर्जेंट, डाइवर्ज होना, एक जगह से फैल जाना, दैट इज डाइवर्ज हो जाना, इज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग, सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग different direction, developed along different direction due to adaptation to different needs,
डिफरेंट नीड के हिसाब से सबने अपने आप को अडेप्ट किया है, उसी हिसाब से स्ट्रक्चर जो है बेटा वो सेम हो गए हैं। एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बोला था वही सेम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल फोर लिम्स ऑफ बैट, ह्यूमन, चीता, वेल हैव सेम अनाटमी बट डिफरेंट फंक्शन। बट डिफरेंट फंक्शन, अनाटमी सेम है बेटा। सेम अनाटमी का मतलब कि सबके पास क्या है, ऑल हैव, सबकी फोर लिम में आपको क्या दिखेगा बेटा, ह्यूमरस दिखेगी, ये जो अपर बोन है, फिर रेडियस दिखेगा, अल्ना दिखेगा, कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं एंड फैलेंजेस भी हैं। सबके पास सेम स्ट्रक्चर है फोर लिम में, सब सेम बोन है, बट इनके फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। फंक्शन क्या है बेटा, डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखिए, एक पिक्चर देखिए, यहाँ पे आप देखोगे बेटा ये हमारी फोर लिम है, ये चीता की है, ये व्हेल की है बेटा, और ये बैट की है। सबकी फोर लिम में बोन्स जो है सेम है, ऑफ कोर्स बोन का किसी का साइज छोटा बड़ा हो गया, लेकिन नेम वही है, बस उनका साइज में डिफरेंस हुआ है। और उनका डिफरेंट क्या है, फंक्शन है। डिफरेंट क्या है भाई, फंक्शन है, ठीक है। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन्स। दीज आर कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन। सो याद रखेंगे बेटा, होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब क्या होगा, होमोलोगस ऑर्गन मतलब सेम अनाटमी, अनाटमी इज सेम बट डिफरेंट फंक्शन। अनाटमी सेम है लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। साथ में आप लिख सकते हैं यहां पे एक बात और, होमोलोगी, होमोलोगी, होमोलोगी या होमोलोगस ऑर्गन्स, दे इंडिकेट्स, इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्टर्स। इसे हमें पता चलते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं भाई एक ही थे, हमारे पूर्वज जो हैं वो एक ही थे, क्लियर है। और एग्जांपल यहां पे लिख सकते हैं हम, अदर एग्जांपल्स, अदर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं बेटा वर्टिब्रेट्स, हार्ट एंड ब्रेन, ठीक है। फिर प्लांट्स के केस में, प्लांट्स के केस में एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं क्या, थोर्न, कांटे जो होते हैं ना, थोर्न मतलब कांटे, एंड टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स आपने शायद देखा हो, घिया वगैरह लगती हुई देखी है आपने, उसमें ऐसे गोल गोल से इस तरीके के स्ट्रक्चर निकल जाते हैं, दैट इज द टेंड्रिल, ठीक है। थोर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया एंड क्यूकरबीटा, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, बोगनविला की ठीक कर लेना। थोर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविला एंड क्यूकरबीटा, ये भी क्या है बेटा, होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट द होमोलोगी, ठीक है। थोर्न हो या टेंड्रिल हो, दोनों का एनाटॉमी सेम है बट ऑफ कोर्स फंक्शन इज डिफरेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखते हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक लिखा भी हुआ है, दिस इज थोर्न ऑफ बोगनविलिया एंड दिस इज द टेंड्रिल ऑफ द क्यूकरबीटा, एनाटॉमी सेम है बेटा, फंक्शन डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या, उल्टा कर दो इसको, डाइवर्जेंट से, डाइवर्जेंट में क्या था बेटा, अनाटमी सेम थी, फंक्शन डिफरेंट था। यहाँ पे क्या है, अनाटमी तो सबकी अलग है लेकिन काम वही कर रहे हैं, अनाटमी अलग काम वही। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबने तितली देखी है बेटा, तितली उड़ी, बस में चढ़ी, देखी है सबने तितली, बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई के विंग्स, बटरफ्लाई के पंख आप देखोगे, आपको उसमें से आर पार दिख जाएगा, मेम्ब्रेनस पंख होते हैं उनके। और जो बर्ड्स होते हैं बेटा, है ना, बर्ड जो होते हैं उनके पंख बिल्कुल अलग हैं,
बर्ड्स के पंख बिल्कुल अलग है, उनके जो फोर लिम्स थी वही तो मॉडिफाई होके उन्होंने क्या बना दिया है, विंग्स बना दिया है, तो वहां तो बोन्स होंगी। तो दोनों के पंखों में डिफरेंस है, लेकिन कहते दोनों में ही विंग्स हैं, क्योंकि काम वही है, वो उनको फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प करते हैं, बट उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है, अनाटमी जो है वो डिफरेंट है। पहले मैंने उल्टा बोल दिया था क्या, पता नहीं ध्यान है मुझे क्या बोला, ठीक है। तो याद रखेंगे बेटा, अनाटमी डिफरेंट है बट फंक्शन क्या है, सेम है। फंक्शन क्या है बेटा, सेम है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आप क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर क्या है बेटा, डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, दे आर इवोल्विंग फॉर द सेम फंक्शन। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवोल्विंग फॉर द सेम फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवोल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हैंस हैव सिमिलैरिटी। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहे तो आप सिंपल लिख सकते हैं यहां पे, डिफरेंट अनाटमी बट सिमिलर फंक्शन, और ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कह सकते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं बेटा एनालोगस ऑर्गन्स, जहां पे एनाटमी जो है वो डिफरेंट है बट फंक्शन जो है वो सेम है। फंक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। सो एनालोगस ऑर्गन जो है वो किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहां हम एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपको बताया था बेटा, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द बर्ड्स, पहला एग्जाम्पल हो गया बेटा आपका विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, देन फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। देखो डॉल्फिन क्या है, मैमल है, पेंगुइन क्या है, बर्ड है, ठीक है। तो इनके फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, देन हाँ आई ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की आई एंड मैमल्स की आई। काम तो बेटा सेम है ना, देखने का है, बट एनाटमी ऑफ कोर्स डिफरेंट होगी। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड द मैमल, ठीक है। वैसे ही आपका एक आता है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, एक होता है स्वीट पोटैटो, आप खाते हो ना जिसको भूंद के खाते हो, स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी जिसको कहते हैं, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। पोटैटो तो आप पढ़ते हो, पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, पोटैटो रूट नहीं है बेटा, स्टेम है। पोटैटो क्या होती है, स्टेम होती है, और स्वीट पोटैटो क्या होता है बेटा, रूट होता है, ठीक है। तो दोनों का वही फंक्शन तो कही है, काम ना खा रहे हैं आप इसको, लेकिन एनाटमी इनके डिफरेंट है, एक रूट से बना है, एक स्टेम से बना है। तो दिस इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, आप समझिए यहाँ पर क्या था कि डिफरेंट फंक्शन है, फंक्शन सॉरी एनाटमी क्या है, डिफरेंट है, एनाटमी डिफरेंट है, लेकिन ये सबके सब कन्वर्ज हो गए हैं और कह रहे हैं कि हम काम एक ही करेंगे, ठीक है। सो फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन सेम है, एनाटॉमी डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, कन्वर्ज हो जाना, एक जगह पर जाना, कन्वर्ज है ना। सो कन्वर्ज का मतलब क्या है, डिफरेंट एनाटॉमी बट सेम फंक्शन, डिफरेंट एनाटॉमी बट सेम फंक्शन। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है सभी को, क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। इसी से रिलेटेड आप एक चीज यहां पर पढ़िए, बुक में हमारी क्या दी हुई है, देखिए, इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो हमने अभी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात की है,
सिमिलैरिटी इन प्रोटीन एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव्स क्लूज टू द कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर बेटा बहुत सारे ऐसे प्रोटीन, बहुत सारे ऐसे जीन हैं जो सेम है, ठीक है, परफॉर्मिंग द गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ये हमें बता रहा है कि हमारे एंसेस्टर, देखो जीन सेम है, काम सेम कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो सेम ही तो रहे होंगे। जैसे आपने सुना एक बात, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन होता है, हमारा हार्मोन इंसुलिन, और जो हमें पिग्स और जो आपकी काउ वगैरह होती हैं इनके पैनक्रिया से जो हार्मोन हमें मिलता है, कैटल के पैनक्रिया से जो हमें हार्मोन मिलता है बेटा, वो ऑलमोस्ट सेम है, तभी तो हम यूज करते हैं, मतलब जीन सेम रहे होंगे। कैसे, कहाँ पिग कहाँ हम, तो हमारे इससे पता चल रहा है कि एंसेस्टर्स जो हैं वो जरूर सेम ही रहे होंगे। ठीक है, दिस बायोकेमिकल सिमिलैरिटी पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। फिर आप देखिए बेटा यहाँ पर एक और पॉइंट, मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स इन एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट और सिक्योरिटी। मैन बेटा बहुत चीजों की ब्रीडिंग करता रहता है। ठीक है, मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स, दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड्स दैट डिफर फ्रॉम वन एंड अदर। जैसे आप डॉग की देख लो ना, कितनी सारी ब्रीड होती है ना, पोमेरियन है, कौन सी होती है मैं तो भूल जाती हूँ, हस्की होता है, ठीक है, लेब्रा होता है, लेब्राडोर, कितने सारे ब्रीड्स हैं डॉग के, बट स्टिल आर ऑफ सेम ग्रुप, लेकिन है तो कुत्ते ही है, तो डॉग ही, ब्रीड होने से क्या होता है, तो डॉग ही। और आप ये देखिए, इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विद इन 100 ऑफ ईयर मैन कुड क्रिएट हैव डन द सेम ओवर मिलियन ऑफ ईयर। सोचिए, ये जो हमने ब्रीड्स बनाई है डिफरेंट डॉग्स की, ये तो हमने कुछ ही सालों में बना दी है, तो समझिए कि जब हम कह रहे हैं कि लाइफ जो है वो मिलियन ऑफ ईयर पहले आई थी, तो तब से लेकर आज तक तो बेटा कितना ही चेंज हो गया होगा। जब हम उन चेंजेस को थोड़े टाइम में ला सकते हैं, तो नेचर ने तो पता नहीं क्या क्या ही चेंज कर दिया होगा। समझ रहे हैं इस बात को, क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट, अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग द इवोल्यूशन। एक और ऑब्जर्वेशन है बेटा जो हमें बता रही है कि देखो भाई इवोल्यूशन हुआ है, वो आया है फ्रॉम द नेचुरल सिलेक्शन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर एक चीज सर्वे कंडक्ट की गई बेटा, उससे पता चला कि हाँ भाई देखो इवोल्यूशन तो हो रहा है। देखो, इन अ कलेक्शन ऑफ मोथ मेड इन 1850, इंग्लैंड की बात करें, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर व्हाइट विंग मोथ ऑन ट्रीज देन द डार्क विंग मोथ और मैनलाइज मोथ। देखिए, इसको हमने यहाँ पे लिखा है, देखो बेटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कहाँ की, इंग्लैंड की। इंग्लैंड की बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि 1850, ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो मोथ होते हैं बेटा इस टाइप के, ये आपको कीड़े से दिखेंगे, ये है मोथ। ये कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्री नहीं थी तो पोल्यूशन कम था बेटा, बहुत पोल्यूशन कम था, ठीक है। तो जब पोल्यूशन कम था, सो ऑफ कोर्स आप एक चीज समझिए, लाइकेन पता है ना आपको, लाइकेन, लाइकेन जो है वो आपके जो ट्रीज होती हैं उनकी जो स्टेम होती है, बाक होती है, उसके ऊपर ग्रो कर जाता है लाइकेन, ठीक है, और लाइकेन वहीं ग्रो करता है जहां पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। सो देखा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ये जो व्हाइट कलर के मोथ, देखो दो हैं, एक व्हाइट है एक ब्राउन है, व्हाइट कलर के मोथ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, पोल्यूशन नहीं था बेटा, सो लाइकन ग्रो कर रहा था, लाइकन का कलर भी कुछ ऐसा ही होता है, और ये मोथ जो है उस लाइकन के पास जब जाके बैठते थे, तो इनको जो प्रीडेटर्स हैं, जो दूसरे एनिमल्स, चील कौवे जो इनको खा सकते थे, वो इनको देख नहीं पाते थे, ठीक है। सो ये बच जाते थे, जो कि डार्क वाले होंगे ना वो आराम से दिख जाते थे, ठीक है, वो जो डार्क वाले थे वो आराम से दिख जाते, तो इनको खा लिया जाता। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो व्हाइट विंग्ड मोथ थे, ये व्हाइट वाले, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी एज कंपेयर टू द डार्क मेलेनाइज्ड मोथ। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पोल्यूशन बढ़ा बेटा, पोल्यूशन बढ़ा तो लाइकन तो वहां ग्रो नहीं करेगा, और जो आपको पता है बेटा ट्री जो होता है उसकी स्टेम के ऊपर ब्राउन से कलर की होती है, तो उस ब्राउन कलर में ये जो मेलेनाइज्ड मोथ थे बेटा ये तो छिप गए, और ये व्हाइट अलग से चमकने लग गए, तो जो भी चील कौवे थे, प्रीडेटर थे, ये आते थे इनको खा जाते थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़ी और इसकी कम हो गई, पहले ये ज्यादा थे ये कम थे, ठीक है। देखिए
इन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने क्या दिखा, नंबर ऑफ व्हाइट विंग मोथ जो है ट्री पे वो ज्यादा थे एज कंपेयर टू द डार्क विंड और मेथल मेटल मेलेनाइज्ड मोथ। इन लेस पॉपुलेशन लाइकन ग्रो वॉज मोर ऑन बार्क ऑफ ट्री, व्हाइट विंग मोथ वर एबल टू कैमोफ्लाज देमसेल्फ, दैट वो खुद को हाइड कर लेते थे, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर्स। फिर उसके बाद क्या किया बेटा, 1920 में दोबारा से कलेक्शन की गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी, उसके बाद जब देखा गया तो देयर वर मोर डार्क विंग मोथ इन द सेम एरिया, दैट इज पॉपुलेशन जो है रिवर्स हो गई, ठीक है। ड्यू टू पोल्यूशन स्मोक और सूट की वजह से क्या हुआ, ट्री ट्रंक डार्क हो गई बेटा, लाइकन की ग्रोथ वहां पर कम हो गई, सो व्हाइट विंग मोथ कुड नॉट कैमोफ्लाज एंड सपोर्टेड बाय प्रीडेटर इजिली। अब व्हाइट वाले जल्दी से दिखने लग गए और उनको जो प्रीडेटर्स थे वो खा गए। क्लियर है ये बात, ठीक है। फिर भी हाउएवर इन एरियाज, अभी भी अगर हम बात करें वहां वो एरियाज जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई है, हाउएवर इन एरियाज वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर लाइक रूरल एरियाज, देयर वर स्टिल मोर पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट विंग मोथ। दिस शोज दैट इन मिक्सड पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म विच कैन बेटर अडेप्ट सर्वाइव इन पॉपुलेशन सर्वाइव बट नो वेरियंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। तो ये हमें बताना चाह रहा है कि देखो भाई नेचुरल सिलेक्शन है, जो जिस एनवायरमेंट में ज्यादा अच्छे से खुद को अडेप्ट कर पाएगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा, वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। पहले व्हाइट वाले ज्यादा थे, उनके बच्चे हो रहे थे, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, ठीक है। ब्लैक वाले दिख जाते थे, उनको खा लिया जाता था, ठीक है। ऐसा तो नहीं था लेकिन ब्लैक वाले खत्म हो गए, वो तब भी थे, मिक्स्ड पॉपुलेशन थी। बाद में जब पोल्यूशन हो गया तो व्हाइट वाले आराम से दिखने लग गए, ब्लैक तो पहले ही ब्लैक थे, ये और नहीं दिखते थे, तो तब ब्लैक की ज्यादा रिप्रोडक्शन हुई, उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, व्हाइट को प्रीडेटर खा रहे थे तो उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। लेकिन जिन एरियाज में अभी भी पोल्यूशन नहीं पहुंचा था वहां पर अभी भी व्हाइट वालों की जनसंख्या ज्यादा थी। तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन भी है, साथ में हमें बताया जाता है कि कोई भी वेरिएंट जल्दी से कंप्लीटली वाइप आउट नहीं होता है, ठीक है। फिर सिमिलरली, ऐसे ही सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड एक्सेट्रा हैज ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज इन मच लेसर टाइम स्केल, ठीक है। देखिए बेटा, आपने कभी सुना है कोई आप में से गांव खेत वगैरह को अगर बिलोंग करता हो तो आप सुनेंगे बेटा कि पहले जो ये पेस्टिसाइड वगैरह जो हम अपने क्रॉप्स पर स्प्रे करते थे, ऐसे कहेंगे कि पहले तो ये बहुत अच्छे से काम करती थी, अब ये इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है, नकली हो गई है। बेटा देखो, नकली होने के चांस हैं, बट इससे एक चीज़ और हमें पता चलती है कि वो शायद वो नकली नहीं हुई है, जिस पेस्ट को हम मारना चाह रहे थे उस केमिकल से, उस पेस्ट को पता है कि बार बार मुझे ये इससे मार देते हैं, ठीक है। सो क्या हुआ, जब आप उस पर केमिकल छिड़क रहे थे उनके अंदर एक चेंज आया, उनके जीन्स में म्यूटेशन आई और उसकी हेल्प से अब वो उस केमिकल से खुद को बचाने में कामयाब हो गए हैं, दे हैव बिकम रेजिस्टेंट, ठीक है। सिमिलर चीज हम देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक और ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड सेल, ठीक है। आपने देखा है कई कई बार, मान लीजिए कोई बीमार है, उसको कोई आप मेडिसिन देते हो उस पर वो इफेक्ट नहीं कर रही, सो डॉक्टर क्या कहता है कि ये जो आप जिससे आपको इन्फेक्शन हुआ है, जिस बैक्टीरिया से, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया है, ये इसने मतलब उस एंटीबायोटिक, उस बैक्टीरिया ने समझ लिया है कि कैसे मैं इस एंटीबायोटिक से बच सकता हूँ, उसके अंदर उसके जीन्स में कोई ना कोई म्यूटेशन हो गई है, ठीक है। Hence, resistance organism cells are appearing in a scale of months or years and not centuries. तो आप देखिए, ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, पहले एक बैक्टीरिया एक एंटीबायोटिक से मर जा रहा था, अब बाद में नहीं मर पा रहा, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आया है, है ना। और जो चेंज ही तो इवोल्यूशन है, और जब इनके अंदर इवोल्यूशन कुछ महीनों कुछ सालों में हो सकता है, तो इतने जब सेंचुरीज गुजर चुकी हैं, ईयर्स गुजर चुके हैं, तो सोचिए कि और वैसे कितना ज्यादा इवोल्यूशन हुआ होगा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, मैन के इफेक्ट पे, हमारी वजह से जो इवोल्यूशन हुआ। पहले जो पोल्यूशन था वो भी हमारी वजह से हुआ था बेटा, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड एंटीबायोटिक का यूज भी हमारी वजह से हुआ है, इन सब के अंदर जो चेंजेस आए हुए हैं वो मैन की वजह से आया है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है बेटा मैन मेड।
दिस ऑल्सो टेल अस दैट इवोल्यूशन इज नॉट अ, हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन द चांस इवेंट्स इन द नेचर. ठीक है, ये कोई इवोल्यूशन डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि भाई इवोल्यूशन यही होना है, मतलब एनिमल के अंदर जो चेंज होना है वो ऐसे ही होना है, नहीं. डिपेंड करता है कि उसको कैसी कंडीशन मिल रही है, वो किस तरीके से खुद को अडेप्ट कर पाता है, उसी हिसाब से फटाफट से एकदम से उसके एक चांस है, ठीक है, कि क्या नेचर क्या उसको प्रेजेंट करे उस हिसाब से वो एनिमल कैसे रिएक्ट करता है, वैसा इवोल्यूशन उसके अंदर होगा. हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे. सो इट इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस, इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस. स्टोकेस्टिक का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन द चांस इवेंट्स इन द नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म में उस हिसाब से किस टाइप की म्यूटेशन हुई है उस पे डिपेंड करेगा कि कैसा इवोल्यूशन हो रहा है. हाँ जी बेटा, क्या ये बात क्लियर है सभी को, क्या ये बात क्लियर है सभी को. चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अडेप्टिव रेडिएशन. अब अडेप्टिव रेडिएशन क्या है, अडेप्टिव रेडिएशन भी एक ऐसी चीज है जो डार्विन से ही आई है बेटा. हमने कहा था ना डार्विन अपनी शिप में, जिसका नाम क्या था, HMS बीगल, उस पे घूम रहे थे. तो डार्विन घूमते घूमते चले गए एक आइलैंड पे जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड. क्या नाम था बेटा, गैलापागोस आइलैंड. वहां उनको है ना कुछ काले काले पक्षी दिखाई दिए, स्मॉल ब्लैक बर्ड, जिनको आज हम डार्विन फिंचेस कह देते हैं. उन्हें देख के वो बड़े हैरान हो गए, अमेज हो गए. क्यों, उन्होंने देखा कि ये जो आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड, यहाँ पे ये डार्क कलर के बर्ड कुछ कुछ एक जैसे दिखते हैं, बट इनके अंदर कुछ कुछ चेंजेस भी है. इनकी जो चोंच थी, इनकी जो बीक थी, वो काफी चेंज थी एक दूसरे से. मतलब उन्होंने देखा देयर वर डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड. अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए, ही रियलाइज दैट देयर वर मैनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड. ही कंजक्चर्ड, मतलब उन्होंने एक स्टोरी बनाई कि ऑल द वेराइटीज दे इवॉल्व ऑन द सेम आइलैंड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आर. वही बात है, पहले एक ही थे है ना, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी बन गई, एक से ही डिफरेंट वैरायटी बनी है, डायवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है वहां पर. ठीक है, देखो आइलैंड है, अब छोटा सी जगह तो होगी नहीं, बड़ा सा आइलैंड होगा. एक आइलैंड पे एक जगह पर पहले ये पक्षी थे, फिंचेस थी ये ब्लैक वाली. ठीक है, वहां पे क्या हुआ बेटा, रिप्रोड्यूस कर रही थी, खाना बढ़िया मिल रहा था तो बढ़िया रिप्रोडक्शन हो रही थी, बच्चे हो रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ी. तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, भाई यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो रही है खाने की, थोड़ा दूर चला जाता है, वो उस आइलैंड पे कहीं और चले गए. वहां जाके देखा, मान लो कि पहले जो रियल वाली थी वो सीड ईटिंग थी, सीड खाती थी बेटा, है ना. दूसरी जगह देख जाके देखा तो सीड के अलावा मान लो कि वहां पे फ्रूट वगैरह बहुत ज्यादा थे. ठीक है, सो उनको लगा अभी ये फ्रूट खाना है, उस हिसाब से उनकी बीक की शेप चेंज हो गई. ठीक है, ऐसे ही फिर जब वहां पे बहुत ज्यादा हुआ पॉपुलेशन तो दूसरी जगह चले गए. सो इस तरीके से एक ही डार्क फिंचेस से नई नई फिंचेस बनी, नई नई उनकी बीक चेंज होती गई अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आर. ठीक है, यहां देखिए बेटा, यहाँ वेराइटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस द डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड. जो डार्विन को गैलापागोस आइलैंड पे डिफरेंट फिंचेस मिली थी, उनका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग सबकी बीक है. सबकी बीक जो थे हैं बेटा वो क्या थी, सबकी अलग अलग थी. ठीक है बेटा, क्या ये बात क्लियर है सभी को. ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ओरिजिनल जो डार्विन फिंचेस थी, जो सबसे पहले जो थी वो सीड ईटिंग थी. ओरिजिनल डार्विन फिंचेस जो थी बेटा वो कैसी थी, सीड ईटिंग, वो सीड्स खाती थी. उनकी बीक उसी तरीके से थी जिससे वो इजीली सीड खा सके. ठीक है, ओरिजिनल डार्विन फिंचेस वर सीड ईटिंग. उसके बाद मैनी varieties with altered beaks arises. उसके बाद बेटा बहुत सारी फिंचेज आई जिनकी अलग अलग तरीके की बीक थी. ठीक है, कोई तो बन गई भाई इंसेक्टिवोरस, कोई तो इंसेक्ट खाने लग गई इंसेक्टिवोरस. ठीक है, कोई
वेजिटेरियन बन गई, इस तरीके से अलग अलग फिंचेस बन गई बेटा, अलग अलग उनकी बीक की शेप हो गई, ताकि वो जिस भी पार्ट में रह रही हैं, जिस भी पार्ट ऑफ आइलैंड में रह रही हैं, वहां पर जो उनका फूड अवेलेबल है वो उसको इजीली खा सके और अपनी रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, क्लियर है बेटा बात? क्लियर है। तो ओरिजिनल डार्विन फिंचेस कैसी थी? सीड ईटिंग थी। फिर उसके बाद नई नई बीक की बहुत सारी फिंचेस आई, कोई इंसेक्टिवोरस थी और कोई क्या थी, वेजिटेरियन थी। ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द, डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर आए बेटा, लेकिन कहां से बने? फ्रॉम द कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म। सबका एंसेस्टर सेम था, सब सीड ईटिंग थे, बाद में चेंजेस हुई हैं सारी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम द, आप लिख सकते हो फ्रॉम द सेम एंसेस्ट्रल फॉर्म, फ्रॉम द सेम एंसेस्ट्रल फॉर्म, मतलब एक से स्टार्ट हुए, एक जगह से स्टार्ट हुए और डिफरेंट डिफरेंट चीजें बन गई। एनाटॉमी सबकी सेम है, डिफरेंट फंक्शन हो गए हैं, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि भाई डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। यही तो था हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, याद आया सबको? यही क्या था बेटा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर है बेटा? क्लियर है। सो अडेप्टिव रेडिएशन की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, अडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं बेटा, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ सेम ज्योग्राफिकल एरिया, इवोल्यूशन ऑफ different species in a same geographical area, same geographical area में different species arise हुई हैं, starting from a point, and radiating in different direction, and radiating in different directions, yeah, radiating in different directions of same area. आइलैंड या सेम ज्योग्राफी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज द अडेप्टिव रेडिएशन। फिर से समझेंगे बेटा, हमने क्या देखा, डार्विन ने बेसिकली क्या देखा कि गैलापागोस आइलैंड में एक फिंचेस थी, डार्क कलर के कुछ बर्ड्स थे, ब्लैक कलर के। ठीक है, वो फिंचेस जो हैं एक जगह से स्टार्ट होकर उसी आइलैंड में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में गई, डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी ऑफ उस एरिया में। एक ही आइलैंड था, जैसे ये बड़ा सा आइलैंड है, ये बड़ा सा आइलैंड था। ठीक है, पहले यहाँ थी, कोई यहाँ चली गई, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, मतलब यहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई हैं एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में, और नई नई स्पीशीज बन गई हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अडेप्टिव रेडिएशन, दैट इज प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ सेम ज्योग्राफिकल एरिया, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक ही जगह से स्टार्ट हो रही हैं, रेडिएटिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द सेम आइलैंड और ऑफ द सेम ज्योग्राफी। इसी को हम क्या कहते हैं? अडेप्टिव रेडिएशन। क्लियर। इसी का एक एग्जाम्पल है बेटा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। मार्सुपियल्स आपको पता है, एक होते हैं प्लेसेंटल एनिमल्स, एक है मार्सुपियल। प्लेसेंटल एनिमल्स बेटा हम, जहां पे जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो प्लेसेंटा बनता है। मार्सुपियल जैसे आपने देखा होगा कैंगरू, कैंगरू के पास क्या होता है? एक पाउच होता है जिसके अंदर अपने वो
न्यू बोर्न बेबी, उसकी पूरी डेवलपमेंट नहीं होती, वो सीधा पैदा होके उस पाउच में रख लेते हैं, वहीं पे उसकी डेवलपमेंट होती है। तो वो होते हैं मार्सुपियल जिनके पास पाउच होता है, हमारे पास क्या होते हैं प्लेसेंटा होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, नंबर ऑफ मार्सुपियल ईच डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन आइलैंड पे बेटा, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन आइलैंड पे, ठीक है, हमें बहुत सारे मार्सुपियल्स मिलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मार्सुपियल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन उनका सबका एंसेस्टर जो है एक ही है। नंबर ऑफ मार्सुपियल ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर इवॉल्व फ्रॉम द एंसेस्ट्रल स्टॉक, मतलब सेम एंसेस्टर से वो बने हैं। यहाँ पर आप, ये आपकी बुक में एक डायग्राम है जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ मार्सुपियल रेडिएशन हुई है, यहाँ उनका एंसेस्टर है, इस एंसेस्टर से एक सिंगल एंसेस्टर था बेटा, और क्या हुआ, यहाँ से एक तस्मानियन वॉल्फ बना, मार्सुपियल है, टाइगर कैट, बैंडेड एंट ईटर, मार्सुपियल रैट, कैंगरू, वोम बैट, बैंडीकूट, कोआला, मार्सुपियल मोल एंड शुगर ग्लाइडर, दे ऑल आर द मार्सुपियल एनिमल्स इन द सेम ऑस्ट्रेलियन आइलैंड, जो एक ही एंसेस्टर से बना है, बट जिस जिस जगह पर वो गए आइलैंड पे अपने हिसाब से वो चेंज हो गए, बट एक करेक्टर सब में सेम रहा, मार्सुपियल्स, ठीक है। सो याद रखेंगे मार्सुपियल्स की रेडिएशन में क्या क्या चीजें बनती हैं, एनिमल्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, नाम याद कर लो, कौन सा है, तस्मानियन वोल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंट ईटर, मार्सुपियल रैट, कैंगरू, वोम्बैट, बैंडीकूट, क्वाला, मार्सुपियल मोल एंड शुगर ग्लाइडर, एंड शुगर ग्लाइडर, ठीक है। फिर एक और चीज ये पढ़िए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। व्हेन मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन अकर इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया एंड रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर अडैप्टिड फंक्शनल स्ट्रक्चर इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है लाइक तस्मानियन वोल्फ एंड प्लेसेंटल मैमल है बेटा लाइक प्लेसेंटल वोल्फ। क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पर ये दो, ये आपका ऑस्ट्रेलियन आइलैंड है, दिस इज द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड, यहाँ पे बेटा प्लेसेंटल एनिमल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मार्सुपियल हैं, यहाँ पे मार्सुपियल एनिमल्स हैं। प्लेसेंटल एनिमल्स एक जगह से स्टार्ट हुए, ये इस तरीके से डाइवर्ज कर गए डिफरेंट एरियाज में, ठीक है, अलग अलग बन गए। सिमिलरली प्लेसेंटल मैमल्स यहाँ से स्टार्ट हुए, सॉरी मार्सुपियल यहाँ से स्टार्ट हुए, ये डाइवर्ज कर गए, ठीक है। बीच में एक एरिया ऐसा आया जहाँ पर ये वाले एनिमल्स भी आए और मार्सुपियल्स भी आए, ठीक है। इन दोनों ने क्या शो की थी बेटा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जब ये इस एरिया में आए तो ऑफ कोर्स इनके बीच में कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स होंगे जो सेम होंगे। सेम क्यों होंगे, क्योंकि उस एरिया में रहने के लिए ऐसे करैक्टरिस्टिक चाहिए थे जो सेम होने चाहिए थे, मतलब वो अपने एंसेस्टर से तो डाइवर्ज हुए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो किया, और एक जगह पर आकर दोनों में अलग अलग स्पीशीज हैं, दोनों में कुछ सेम फीचर्स आ गए, तो इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, डाइवर्जेंट हुआ, यहाँ पे भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, और इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। देखिए यही तो लिखा हुआ था, When more than one adaptive radiation occur in isolated geographical area, एक adaptive radiation यहाँ हो रही है, एक वहाँ हो रही है। Adaptive radiation मतलब आप divergent evolution भी कह सकते हैं, ठीक है। And result in development of similar adaptive functional characters in unrelated group of organism, it is called convergent evolution। और इस area में जब ये आए तो यहाँ पे उनके अंदर बेटा बहुत सारे सेम करेक्टर्स आ गए, क्योंकि इस एरिया में अडेप्ट करने के लिए उनको सेम करेक्टर्स चाहिए थे, तो इन दोनों अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्या हो गया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। जैसे कि बुक में ये डायग्राम दिया हुआ बेटा, एक तरफ प्लेसेंटल, यहाँ पर प्लेसेंटल मैमल्स लिखे हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल लिखे हैं। सो प्लेसेंटल में मोल और मार्सुपियल का मार्सुपियल मोल, दोनों में काफी सेम करेक्टर्स दिखेंगे आपको, यहाँ पे एंट ईटर, यहाँ पे नंबैट, माउस मार्सुपियल माउस, लेमोर स्पॉटेड कसकस, फ्लाइंग स्क्वायरल फ्लाइंग फेलेंजर,
बॉब कैट, तस्मानियन टाइगर कैट, वॉल्फ एंड तस्मानियन वॉल्फ। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है कि प्लेसेंटल वाला कौन सा मैमल मार्सुपियल के कौन से मैमल से मिलता है, किनके बीच में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। मान लो आपको कह दे कि प्लेसेंटल मैमल तो लेमोर है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल वो कौन सा स्पीशीज है जिनके बीच में दो अलग अलग स्पीशीज है बट कन्वर्जेंट सेम फंक्शनल करेक्टर दिखा रहे हैं, तो आप कहेंगे भाई लेमर तो स्पॉटेड कसकस के साथ दिखाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है। सो ये था आपका अडेप्टिव रेडिएशन, दिस इज द अडेप्टिव रेडिएशन। चलो बेटा नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं यहां पर, दैट इज एक आपकी बुक में पैराग्राफ दिया हुआ है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इस पैराग्राफ में बेसिक अगर इसका हम निचोड़ निकालें तो वो ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन देवर द टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन ने इवोल्यूशन के लिए क्या कहा भाई, कि एक तो नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, उसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, दूसरा ब्रांचिंग डिसेंट। मैम ब्रांचिंग डिसेंट क्या है? बेसिकली ब्रांचिंग डिसेंट बेटा ये अडेप्टिव रेडिएशन को ही कह रहे हैं जो अभी हमने किया है, दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से ही जो है पूरा का पूरा इवोल्यूशन हुआ है। इसके रिगार्डिंग एक आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसे हम अभी देख लेते हैं क्या लिखा है। देखो द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। मतलब माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस इंडिविजुअल विद इन आवर्स। हमें पता है बेटा हमारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो बहुत फास्ट डिवाइड कर सकते हैं और कुछ ही टाइम के अंदर वो मिलियंस ऑफ नंबर में हो सकते हैं। मान लीजिए अब हमने यहाँ पे एग्जांपल किया लिया, एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया जिसका नाम रख दिया हमने ए, ग्रोइंग ऑन अ गिवन मीडियम हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड कॉम्पोनेंट। ठीक है, उनके पास एबिलिटी है बेटा कि वो एक पर्टिकुलर चीज को खा सकते हैं। A change in the medium composition would bring out only that part of the population, say B, that can survive under new condition. क्या कह रहे हैं बेटा, हमने कुछ ऐसे बैक्टीरिया लिया, उनको एक पर्टिकुलर मीडियम में हमने डाल दिया, उनमें एबिलिटी थी कि वो जब उनको न्यूट्रिशन देंगे, ठीक है, वो उसको खाकर वो जिंदा रह सकते हैं। हमने क्या किया, हमने उनका न्यूट्रिशन, जो उनका न्यूट्रिएंट मीडिया था वो चेंज कर दिया, उसमें कुछ अलग चीज डाल दी। अब वहां सिर्फ वही बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे बेटा जो इस नए न्यूट्रिएंट मीडिया को यूज कर पाएंगे, और जो सरवाइव करके डिवाइड करेंगे उन्हें अब हमने क्या कह दिया, से पॉपुलेशन बी। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरियंट पॉपुलेशन, मतलब बी वाली पॉपुलेशन जो है, इट विल आउटग्रो द अदर, ये सबसे ज्यादा हो जाएगी, इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो ज्यादा होगी, इनके नंबर ज्यादा हो जाएंगे, एंड दे विल अपियर एज न्यू स्पीशीज। दिस वुड हैपन विद इन डेज। हम बैक्टीरिया की बात करें, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है तो इनके अंदर चेंजेस बहुत जल्दी आएंगे, सो इट कुड हैपन इन डेज। For the same thing to happen in fish or fowl, अगर हम यही चीज fish या किसी और fowl के अंदर करेंगे, it would take million of year as lifespan of these animals are in year. Here we say that fitness of B is better than A under new condition. Nature जो है it selects for fitness, जो मैंने पहले बोला था, जो fit है वो hit है। One must remember the so-called fitness is the main criteria. ठीक है, डार्विन से पहले भी बेटा एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था, साइंटिस्ट क्या, नेचुरलिस्ट कहेंगे जो नेचर पे काम करते हैं, फ्रेंच नेचुरलिस्ट, दैट इज लेमार्क। इन्होंने क्या कहा भाई बेटा, इन्होंने कहा ही हैज सेड दैट इवोल्यूशन जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द यूज एंड डिसयूज थ्योरी। इन्होंने बात की ऑफ द यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। ये कह रहे थे जिन ऑर्गन्स को तुम ज्यादा यूज करते हो वही आगे ट्रांसफर होंगे, आगे की जनरेशन में जाएंगे, जिसे हम यूज नहीं करते वो नहीं जाएंगे। उन्होंने एग्जांपल क्या दिया, ही गेव द एग्जांपल ऑफ जिराफ्स हु इन एन अटेम्प्ट टू फॉरेज लिव्स ऑन टॉल ट्री हैड टू अडैप्ट बाय एलोंगेशन ऑफ देयर नेक। वो कह रहे थे कि उनको जो है ऊपर पेड़ के ऊपर वाले पत्तों को खाना था, तो वैसे ऐसे खींचते गए तो उनकी गर्दन लंबी हो गई।
ठीक है, एंड दिस ट्रेड वॉज पास, ये जो एक्वायर उन्होंने अपने जीवन में एक नई चीज जो एक्वायर की इन्होंने, इलोंगेटेड नेक, ये आगे वाली जनरेशन में भी पास हो गई. जिराफ स्लोली ओवर द ईयर केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक, बट नोबडी बिलीव इन दिस कंजेक्चर. इनकी स्टोरी पे किसी ने बिलीव नहीं किया, इसको डिसअप्रूव कर दिया गया. और बेसिकली इसको जिन्होंने डिसअप्रूव किया, आप यूं लिख लीजिए इसको, दिस थ्योरी वॉज डिसअप्रूव्ड बाय ऑगस्ट विजमैन. ये एक साइंटिस्ट आए बेटा, ये एक नेचुरलिस्ट आए, ऑगस्ट विजमैन. इन्होंने लेमार्क की पूरी कहानी को डिसअप्रूव कर दिया. इन्होंने कहा बहुत ही बकवास थ्योरी तुमने बताई है. इन्होंने क्या किया, रैट माउस लिया बेटा, चूहा लिया, उसकी ना टेल को उन्होंने कट किया, फिर देखा उसके बच्चे के पास टेल है कि नहीं, बच्चों के पास भी टेल आ गई, पूंछ आ गई, फिर उसको कट किया, फिर देखा, फिर कट किया, फिर देखा. ऐसे बहुत जनरेशन तक वो करते रहे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो माउस है वो बिना टेल के आ रहे हो. तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात, चलो ठीक है. एक चीज आप और याद रखेंगे, यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि इवोल्यूशन क्या है, एक प्रोसेस है या एक प्रोसेस का रिजल्ट है. तो इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या कुछ हो रहा है इसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है. देखिए, द वर्ल्ड वी सी इन एनिमेट, मतलब जो जिंदा नहीं है और एनिमेट दोनों ही, इज ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन. तो आज हम अपने आसपास में चीजें देख रहे हैं वो सक्सेस स्टोरी है इवोल्यूशन की, जिसके लिए हम कहते हैं कि भाई इवोल्यूशन हुआ था इसलिए आज सब कुछ ऐसा है. When we describe the story of this world, we describe evolution as a process. जब हम बता रहे हैं, जैसे मैं तुम्हें जब पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कह रही हूँ कि evolution एक process है जो धीरे धीरे हो रहा है, जिसे changes आ रहे हैं. On the other hand, when we describe the story of life on earth, we treat evolution as a consequence of a process called natural selection. जब हम अर्थ की स्टोरी बताते हैं कि भाई ऐसे अर्थ बनी, फिर उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म आए, वो आपस में लड़ने लग गए, ये हुआ वो हुआ, तब हम कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन हो रहा था इसलिए इवोल्यूशन हुआ. ठीक है, सो ये कहना मुश्किल है कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या किसी और प्रोसेस का रिजल्ट है. सो वी आर स्टिल नॉट क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेसेस और द एंड रिजल्ट ऑफ एनी अदर अननोन प्रोसेस. ठीक है, एक चीज आप याद रखेंगे बेटा, जो डार्विन है, ठीक है, डार्विन जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे बाय द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस. ये कुछ मैथ का कुछ काम करते थे बेटा, उनके वर्क और डार्विन के वर्क में काफी सिमिलैरिटी थी. ठीक है, सो आप याद रखेंगे डार्विन जो है ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस. और ये थॉमस माल्थस जो है ये बेसिकली मैथमेटिक की तरीके से एक पॉपुलेशन के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऑन पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है. और सेम सी चीज हमारे डार्विन भी कह रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. 20th सेंचुरी के अंदर, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ह्यूगो डी व्राइस. उन्होंने वर्क किया, उन्होंने काम किया बेटा एक प्लांट पर, दैट इज इवनिंग प्राइम रोज. किस पर? इवनिंग प्राइम रोज. और उस पर काम करते करते उन्होंने कहा कि भाई म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, ना कि छोटे छोटे चेंजेस जैसा कि डार्विन कह रहे थे. टाइम के साथ धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस आगे की जनरेशन में जाते हैं. मतलब जो छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं वो हेरिटेबल हैं, इस वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, ये तो डार्विन ने कहा. लेकिन ह्यूगो डी व्राइस ने कहा कोई ऐसे छोटे मोटे चेंज नहीं होते, सीधा म्यूटेशन होती है. क्या होती है बेटा? सीधा म्यूटेशन होती है, इस वजह से इवोल्यूशन हो रहा है. और इस म्यूटेशन की वजह से ही एक नई स्पीशीज बन रही है, जिसको इन्होंने एक टर्म दिया, नाम दिया स्पीशिएशन. स्पीशिएशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज.
एक ऐसी प्रोसेस, एक इवोल्यूशन की ऐसी प्रोसेस जिससे एक नई और एक अलग सी स्पीशीज बन रही है, दैट इज स्पीसिएशन। और ये स्पीसिएशन जो हो रही है वो म्यूटेशन की वजह से हो रही है। किसकी वजह से बेटा? म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। सो बेसिकली आपको डिफरेंस याद रखना है कि ह्यूगो डी वराइज ने क्या कहा इवोल्यूशन कैसे हुई और डार्विन ने क्या कहा। देखो डार्विन सिंपल सा कह रहे थे कि अकॉर्डिंग जैसे हम अपने अपने आप को एनवायरनमेंट में फिट कर रहे हैं उसी हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, तो माइनर वेरिएशन आ रही हैं जो कि हेरिटेबल हैं, मतलब आगे की जनरेशन में जाएंगी। जबकि ह्यूगो डी वराइज ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, देखो सीधा एक बड़ी सी म्यूटेशन होगी उसी से इवोल्यूशन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जो म्यूटेशन है इट कॉजेज इवोल्यूशन, जबकि डार्विन कह रहे हैं कि छोटे छोटे चेंजेस आते हैं विच आर हेरिटेबल, उनसे इवोल्यूशन हो रही है। उन्होंने कहा कि जो म्यूटेशन है रेंडम है, कभी भी कैसे भी हो सकती है एंड डायरेक्शनलेस है, कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि डार्विन क्या कहते हैं बेटा, वेरिएशन स्मॉल होती है और डायरेक्शनल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूगो डी वराइज के हिसाब से म्यूटेशन कैसी है, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। जबकि डार्विन क्या कहते हैं, वेरिएशंस आर स्मॉल, ठीक है, और डायरेक्शनल है, उनके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन। म्यूटेशन कॉजेज स्पीशिएशन, म्यूटेशन से ही न्यू स्पीशीज बन रही है, और इस टाइप की म्यूटेशन को हम कहते हैं साल्टेशन। साल्टेशन का मतलब एक बड़ी सी लार्ज म्यूटेशन हो गई। जबकि डार्विन कहते हैं कि ऐसा नहीं कि एक बार म्यूटेशन हुई और नई स्पीशीज बन गई, नहीं, इनका कहना है धीरे धीरे टाइम के साथ नई स्पीशीज बनती है। सो इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल, इवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा बिटवीन द ह्यूगो डी वराइज एंड डार्विन। यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि किसने क्या कहा, ठीक है, कि किसने क्या कहा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हार्डे वीनबर्ग प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज द हार्डे वीनबर्ग प्रिंसिपल, इट स्टेट दैट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, इन अ लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, मेटिंग मतलब होता है बेटा सेक्सुअली एक्टिव पॉपुलेशन, द अलील फ्रीक्वेंसी इज स्टेबल। जो एलील की फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल रहती है और वो कॉन्स्टेंट रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल, जीन पूल का मतलब क्या होता है, टोटल जीन और उनके अलील्स एक पॉपुलेशन के अंदर, टोटल जीन एंड देयर अलील्स इन ए पॉपुलेशन दे रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब हमेशा ही जेनेटिक इक्विलिब्रियम बना रहेगा, एंड सम टोटल ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज वन। वो कह रहे हैं एक पॉपुलेशन है, एक एरिया ले लिया उन्हें, एक पॉपुलेशन ले लिया, बड़ी सी पॉपुलेशन ली, तो आप उनके अंदर बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, मेटिंग पॉपुलेशन है, उस एरिया की अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। अब अलील या यूं कहिए जीन पूल वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब कोई अंदर और कोई बाहर नहीं जा रहा, इसका मतलब तो यही देखो, कोई बाहर जाएगा तो जीन तो कम हो जाएंगे, कोई अंदर आएगा तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इनकी पॉपुलेशन एक यूं मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल है, ऐसी तो कोई जगह हो नहीं सकती, है ना, कि ना कोई आए ना कोई जाए, और जहाँ पे सेम उतने ही लोगों का जन्म हो और उतने ही लोगों की डेथ हो, तो ये होना थोड़ा मुश्किल है, बट यही है हार्डे वीनबर्ग प्रिंसिपल, जो क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इन अ लार्जली रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन द अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज स्टेबल एंड इट इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन, एंड इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मान लीजिए हम बात करते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, हमने एक यहाँ पे हम एक जीन की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसका अलील, अलील पता है ना, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, तो डोमिनेंट अलील है ए, एक हमने ले लिया डोमिनेंट अलील ए, उसी का दूसरा जो काउंटर पार्ट है दैट इज द रिसेसिव अलील, जिसको हमने स्मॉल ए लिख दिया, और जो इनकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी मतलब ये कितना प्रेजेंट है, वो कह दिया हमने ये पी है और ये क्यू, और कहा गया अकॉर्डिंग टू हार्डवर्ग हार्डी विनबर्ग फॉर्मूला कि पी प्लस क्यू जो है वो वन है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है बेटा। यहाँ पर हम एक मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन लगा देते हैं और कह देते हैं पी प्लस क्यू का अगर स्क्वेयर करें देन इक्वल टू वन का स्क्वेयर है, तो अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ is equal to 1, ठीक है।
जिसमें ये जो पी स्क्वेयर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट द होमोजाइगस डोमिनेंट, और क्यू स्क्वेयर रिप्रेजेंट करेगा बेटा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, और 2PQ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हेट्रोजाइगस, क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, हेट्रोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब ए ए ये हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल ए, और ये हो जाएगा ए ए। तो डोमिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी स्क्वेयर, होमोजाइगस रिसेसिव इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू स्क्वेयर, एंड 2PQ PQ जो है इट रिप्रेजेंट द हेट्रोजाइगस कंडीशन, दैट इज ए एंड ए, दैट इज ए एंड ए, ठीक है। इतनी बात क्लियर सभी को, इतनी बात क्लियर है। चलिए अगर इसी को हम, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा इस तरीके से, देखिए अ जीन लोकस मतलब वो पोजीशन हैज टू अलील, दो अलील हैं, एक ए है और एक ए है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील ए इज, जो डोमिनेंट है वो है 0.4, ये है फ्रीक्वेंसी, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है बेटा पी। वट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट हेट्रोजाइगस हेट्रो होमोजाइगस रिसेसिव, देखो अगर ये पी है तो हमें पता है पी प्लस क्यू क्या होता है 1, पी की वैल्यू क्या है 0.4 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6 आ जाएगी, 0.6 आ जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट जो है मतलब ए ए, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा पी स्क्वेयर, और पी की वैल्यू कितनी है 0.4 का स्क्वेयर, दैट इज 0.16, ठीक है। हेट्रोजाइगस जो है इट इज रिप्रेजेंटेड, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है ए ए मीन्स 2PQ, तो 2 × 0.4 × 0.6, तो ये आ जाती है 0.48। वैसे ही होमोजाइगस रिसेसिव मतलब ए ए इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.6 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 36.36, तो देखिए 16, 48 and 36, तो बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जैसे हम कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे भी सॉल्व कर देंगे, बस आपको याद रखना है पी प्लस क्यू जो है वो 1 के इक्वल होता है, क्लियर। चलिए फिर आ जाते हैं बेटा, चलो जब हमने कह दिया हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल, तो एक ऐसी पॉपुलेशन में अप्लाई हो रहा है जो हाइपोथेटिकल है, जहाँ कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, दैट इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन अ पॉपुलेशन रिजल्ट इन इवोल्यूशन, ठीक है। जो हम ये हाइपोथेटिकल चीज कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, ऑफकोर्स हर पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ चेंज होगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा, और उसी से क्या होता है इवोल्यूशन होता है। कौन से ऐसे फैक्टर है जो हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं जिससे इवोल्यूशन हो सकता है, तो 5 ऐसे फैक्टर आपको याद रखने हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, देन है जेनेटिक ड्रिफ्ट म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो पहले आपको याद रखना है कि अगर हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल जिस पॉपुलेशन में अप्लाई हो रहा है वहां पे अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो इवोल्यूशन होगा, और जहां पे अगर आपको कोई कह दे हाइपोथेटिकल कंडीशन में कि हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल इस पॉपुलेशन में अप्लाई हो रहा है इवोल्यूशन होगा या नहीं, तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। जब भी हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल में डिस्टर्बेंस होगी तब इवोल्यूशन, और वो डिस्टर्बेंस जो है मेनली 5 फैक्टर से होती है, दैट इज जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, क्लियर है बेटा, क्लियर है ये बात, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जीन माइग्रेशन की, माइग्रेशन सबसे फर्स्ट फैक्टर हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज फर्स्ट फैक्टर हेयर इज द जीन माइग्रेशन। हम यहाँ पर दो पॉपुलेशन ले लेते हैं, एक ये ले लेती हैं एक ये, ठीक है बेटा, इसे हम कह देते हैं दिस इज पॉपुलेशन ए एंड दिस इज, यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है,
ठीक है, यहां पर भी कुछ लोग हैं, ठीक है, ठीक है, यहां से बेटा कुछ लोग माइग्रेट कर गए, यहां पर हुई माइग्रेशन, ठीक है, यहां से कुछ लोग उठकर यहां चले गए, मतलब यहां पे अब आपको क्या दिखेगा, ब्लू कलर, ठीक है। सो हमने क्या देखा कि यहां पॉपुलेशन से ए से लोग उठकर कहां चले गए, पॉपुलेशन बी में। अब आप खुद सोचिए बेटा, पॉपुलेशन ए में से अगर लोग गए तो यहां की एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, कम हो गई यहां पर, और यहां पर क्या हो गया, यहां पे भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, मतलब यहां पर बढ़ गए। दिस इज कॉल्ड एज जीन माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर चले गए हैं कुछ लोग, एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए। इट लीड्स टू चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, या यूं कहिए एलिलिक फ्रीक्वेंसी, ऑफ बोथ द पॉपुलेशन, इट रिजल्ट लीड्स टू चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द पॉपुलेशन। यहां पे भी चेंज हुआ बेटा, यहां पर भी, दूसरी वाली में भी चेंज हुआ, इसी को कहते हैं हम जीन माइग्रेशन। अगर ये जीन माइग्रेशन बार बार होता रहे, मल्टीपल जीन माइग्रेशन, तब उसे हम क्या कह देते हैं, जीन फ्लो। मल्टीपल टाइम्स अगर जीन माइग्रेशन हो तो उसे हम कह देते हैं जीन फ्लो, देन दैट इज कॉल्ड एज द जीन फ्लो। मल्टीपल टाइम्स या रिपीटेड माइग्रेशन को हम कहते हैं जीन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है बेटा, नेक्स्ट आप लिखेंगे इसके अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्या इसका एक और दूसरा नाम है, दैट इज सीवोल राइट इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट या सीवोल राइट इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहां पे बाय चांस या रैंडम चेंजेस होते हैं, सबसे पहले क्या है बेटा, यहां पे बाय चांस या रैंडम चेंज होंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी में, इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी, किसी ने सोचा नहीं था बट हो गया, बाय चांस या रैंडम चेंजेस इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसी। दूसरा, इट अकर्स इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, खास बात है बेटा ये स्मॉल पॉपुलेशंस के अंदर होती है, स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर ये होती है। यहां पे आप दो एग्जांपल लेंगे, ठीक है, यहां पर बेटा हम दो एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर एक तरफ आप लिख दीजिएगे फाउंडर्स इफेक्ट, एक तरफ हमने लिखा है यहां पे फाउंडर इफेक्ट, दूसरा आप लिख देंगे बोटल नेक इफेक्ट। ठीक है, सो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, सबसे पहली बात तो बाय चांस या रैंडम चेंज हो जाए कहीं की पॉपुलेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर, और ये जो पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं इट शुड बी स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। यहां पे आप दो एग्जांपल के थ्रू इस जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझ सकते हैं, वन इज द फाउंडर इफेक्ट, अनदर वन इज द बोटल नेक इफेक्ट। आप इस डायग्राम को देखेंगे बेटा, इसको यहां पर एक पॉपुलेशन थी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, यहां से कुछ लोग उठकर गए एक नई जगह पर चले गए जहां कोई और नहीं रह रहा था, वो एक नई जगह पर गए,
ठीक है, जब ये वहां गए तो वहां जाके ऑफ कोर्स रहने लगे, इनके बच्चे बच्चे होने लगे, डिवाइड करने लगे, तो वहां पर ये नई पॉपुलेशन बन गई। वहां क्या बन गई बेटा? नई पॉपुलेशन। अगर आप पुरानी पॉपुलेशन देखोगे तो आपको येलो और पर्पल दोनों डॉट दिखेंगी, बट नई पॉपुलेशन के अंदर मेनली आपको एक येलो वाले ही लोग दिखेंगे। साथ साथ में जब ये जहां गए उस एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट करने के लिए ऑफ कोर्स इनके अंदर कुछ चेंजेस भी आए होंगे। तो इस पॉपुलेशन ने, यहाँ पे एक छोटी सी पॉपुलेशन एक नए जगह पर गई और वहां पे उन्होंने पूरी एक नई जनसंख्या खड़ी कर दी। सो मतलब ये क्या थे? इसके नई पॉपुलेशन के फाउंडर्स थे। ठीक है, सो ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम द फाउंडर ऑफ न्यू पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या हुआ? ओरिजिनली ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन becomes founder of new population। और बेटा देखिए, हमने यहां पे ऊपर लिखा था by chance या random change है। ठीक है, अब आप यू नहीं कहेंगे कि ये गए, ये basically हुआ क्या? मान लीजिए कि किसी भी वजह से यहाँ इतनी पॉपुलेशन जो है अलग हो गई, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हुआ, इतना पार्ट जो है पॉपुलेशन का वो अलग हो गया। अब ये जहां पर बेचारे अलग हुए वहीं पे इन्होंने डिवाइड करना शुरू किया और अपनी एक नई पॉपुलेशन बना ली। क्लियर है? सो दिस इज द फाउंडर इफेक्ट। दूसरा है बेटा बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है? इट अकर्स व्हेन साइज ऑफ पॉपुलेशन रिड्यूसेस एडवर्सली बाय एनी नेचुरल कैलेमिटी, बाय एनी नेचुरल कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो फट गया, कुछ भी हुआ बेटा, फायर हो गई, ठीक है, फ्लड आ गया कहीं पर। मान लो आप एक बात कर लेते हो, आप एक ना छोटे से फॉरेस्ट की बात कर लो, छोटा सी जगह है, वहां पे बहुत सारे एनिमल रह रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे बेटा आग लग गई, या बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आया, या बहुत ज्यादा फ्लड, पानी आता है ना फ्लड, बाढ़ आना, वो हुआ, तो उसमें क्या होता है बेटा? एक छोटी सी जगह थी, इसमें मैक्सिमम लोग जो है वो फंस गए। देखिए यहाँ पे जब सब एक साथ निकलने की कोशिश करें, मान लो एक आग लग गई जंगल में, बेचारे नहीं निकल पाएंगे, उसमें से कुछ ही ऐसे खुशकिस्मत होंगे जो बच जाएंगे और निकल पाएंगे वहां पे। ठीक है, ये फंस गए थे बेटा, ये निकल गए। नाउ दिस, पहले इतनी सारी पॉपुलेशन थी, अब सिर्फ इतने से लोग बचे हैं। अगर आप पहले वाली पॉपुलेशन में देखेंगे, आपको येल्लो वाले कलर ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब येल्लो वाले जो एनिमल होंगे वो ज्यादा थे, बट वो बच नहीं पाए। अब यहाँ पर आप देखोगे रेड वाले थोड़े बच गए हैं, अब इन्होंने ही आगे डिवाइड करना शुरू किया, जो बच गए उन्होंने डिवाइड करना शुरू किया बेटा, उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो दिस इज द बॉटल नेक इफेक्ट, दिस इज द बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है, सो जो बच गए थे उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी, अब वो उस प्लेस की जेनेटिक डाइवर्सिटी बन गई, पहले वाली में बिल्कुल चेंज आ चुका है। दिस इज द बॉटल नेक इफेक्ट। एकदम से बाय चांस रैंडम चेंज आया है एक जगह की एलिलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर। ये स्मॉल आइसोलेटेड, देखिए यहाँ पे स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में हो रहा है। एक होता है बेटा फाउंडर इफेक्ट, ओरिजिनल में से कुछ एकदम से किसी भी तरीके से अलग हो गए, मान लो एक अर्थक्वेक आया, इतना पार्ट हिस्से का अलग हो गया, ये अलग से अपनी दुनिया बसाने लग गए। बॉटल नेक इफेक्ट का मतलब है किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, जैसे अर्थक्वेक है, फायर हो गई, फ्लड हो गई, इस वजह से मैक्सिमम उस पॉपुलेशन के लोग मर गए और जो बच गए थे उन्होंने अब अपनी एक नई दुनिया बसा ली। दैट इज द बॉटल नेक इफेक्ट, इसे कहते हैं बेटा बॉटल नेक। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। थर्ड नंबर पे आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है बेटा? सडन हेरिटेबल चेंजेस होते हैं, दे आर सडन। म्यूटेशन क्या होती है? दे आर सडन हेरिटेबल चेंजेस इन वंस जीनोम, किसी के जेनेटिक
के अंदर, जीन्स के अंदर एकदम से कोई चेंज आ गया और वो सब चेंज जो है हेरिटेबल है आगे वाली पॉपुलेशन में भी जाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, म्यूटेशन कहते हैं। जैसे ह्यूगो डी व्राइज ने कहा था, म्यूटेशन की वजह से ही इवोल्यूशन होता है, वही बात है यहाँ पर भी, म्यूटेशन। चौथा फैक्टर क्या था भाई? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये तो आपको पता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये तो कॉमन फिनोमिना है जहाँ क्रॉसिंग ओवर वगैरह होती रहती है, ठीक है। सो इट इज बेसिकली अ नेचुरल प्रोसेस जहाँ पर जिन भी एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है वहाँ, सो इट इज अ इट इज अ नेचुरल प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। के बाद आता है आपका नेचुरल सिलेक्शन, लास्ट फैक्टर विच अफेक्ट हार्डे वीनबर्ग प्रिंसिपल इज द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, वो फैक्टर्स, वो फीचर्स ही एक वो फीचर्स जो एक एनिमल को एक पर्टिकुलर जगह पे सर्वाइव करने की क्षमता देंगे, उसको इनेबल करेंगे कि तुम यहाँ सर्वाइव करो, वही फैक्टर जो हैं आगे जाएंगे, वही पॉपुलेशन जो है ग्रो कर पाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज द नेचुरल सिलेक्शन। जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ बेटा कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, आप लिखेंगे इसमें, इट इज अ प्रोसेस इन विच, प्रोसेस इन विच हेरिटेबल करेक्टर्स इनेबलिंग हेरिटेबल करेक्टर्स इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल, ठीक है। हेरिटेबल करेक्टर्स विच आर इनेबलिंग द बेटर सर्वाइवल, वो ऐसे फैक्टर्स जो एक स्पीशीज को जिंदा रहने में हेल्प करें, उनको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करें, इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल, बेटर रिप्रोडक्शन, बेटर सर्वाइवल, बेटर रिप्रोडक्शन, ठीक है। वही फैक्टर्स जो हैं, वही करेक्टर्स जो हैं आगे जाएंगे, ठीक है, और वही एनिमल्स सर्वाइव कर पाएंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। सो प्रोसेस इन विच हेरिटेबल करेक्टर्स इनेबलिंग बेटर सर्वाइवर, बेटर रिप्रोडक्शन जो है वही क्या होंगे, आगे की तरफ जाएंगे। क्लियर है बेटा, क्लियर है ये बात? हाँ जी, क्या ये बात सभी को क्लियर है? ठीक है बेटा, आई होप ये सबको क्लियर होगा। नेचुरल सिलेक्शन हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, जिसकी बात डार्विन ने की थी कि भाई जो फिट है वो हिट है, जो एक एनवायरनमेंट में फिट कर जाएगा, जिसके अंदर जो छोटे छोटे चेंजेस आएंगे, जो जिसकी वजह से वो एक जगह पर अपने आप को फिट कर रहा है, अच्छे से खा पी रहा है, बढ़िया तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है, वही जिंदा रहेंगे और उसी के करेक्टर्स जो हैं आगे भी जाएंगे। अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन होता है ये बेसिकली तीन टाइप का होता है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन की बेटा अगर मैं बात करती हूँ तो ये मेनली तीन टाइप का होगा। देखिए कौन सा, देखो सबसे पहले वाला जो होगा दैट इज द स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, इट इज द स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन या स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इसको कहेंगे हम डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। एक होता है डायरेक्शनल होता है बेटा, एक होता है स्टेबलाइजिंग, एक होता है डायरेक्शनल, और एक होता है आपका ये जो तीसरा आपको दिख रहा है, दिस इज डिसरप्टिव, दिस इज डिसरप्टिव। अब इनका मतलब क्या है? स्टेबलाइजिंग का मतलब यहां पर क्या है, मतलब मोर इंडिविजुअल्स दे विल एक्वायर द मीन करेक्टर वैल्यू। स्टेबलाइजिंग का मतलब है बेटा मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन करेक्टर वैल्यू, एक्वायर मीन करेक्टर वैल्यू। देखो अगर आप अपने आसपास की पॉपुलेशन को देखते हैं,
तो बेटा देखो क्या होता है, एक है ना मीडियम रेंज ऑफ आपकी हाइट है, जैसे 5, 8, 7, 9, ठीक है, ये क्या है मीडियम रेंज ऑफ हाइट है, बल्कि आप 5, 7 वगैरह के मानो, ठीक है। और एक तो ये तो हो गई मेन पॉपुलेशन, मेन पॉपुलेशन आपको इसी हाइट में दिखेगी, ठीक है। और या फिर ऐसी एक पॉपुलेशन होगी जो जिनकी हाइट बहुत कम होगी, मान लो 3.5 या 4 फुट, वो तो बहुत कम होंगे, वो क्या है बेटा बहुत कम होंगे। और जिनकी हाइट बहुत ही ज्यादा हो, मतलब कि 6'5" से भी ऊपर हो, वो भी बहुत कम होंगे, वो भी बहुत कम होंगे। मैक्सिमम लोग जो है यहाँ इस वाली मीडियम साइज जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं, बहुत छोटे, बहुत ज्यादा लंबे, ये तो वो हो गया कि ये भी थोड़े से हैं, ये भी थोड़े से हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मीडियम हाइट के हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, ये क्या है स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन है, एक जगह पर एक मीन करेक्टर वैल्यू है, वहीं पे सबसे ज्यादा लोग हैं। फिर आता है बेटा डायरेक्शनल पॉपुलेशन, ठीक है, दूसरा आता है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे आप लिखेंगे मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर अ वैल्यू अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू, अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे बेटा जो पीक है, ये जो पीक है ये हल्की सी शिफ्ट हो गई है, ये पीक हल्की सी जो है शिफ्ट हुई है। अब इसका मतलब क्या है देखो, मान लीजिए और ये जो आपका डायरेक्शनल वो है नेचुरल सिलेक्शन, इससे सबसे ज्यादा इवोल्यूशन होता है, आप ये कह सकते हैं। इसका एक मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास जैसे गांव के अंदर आप चले जाओ, ठीक है, गांव के अंदर जितनी भी काओ बफलो हैं बेटा, एक मीडियम रेंज ऑफ, एक स्टेबलाइजिंग रेंज में सबकी सब क्या देती हैं, मिल्क देती हैं, कोई 7 किलो 8 किलो इस रेंज में सबकी गायें जो हैं वो मिल्क दे रही है। फिर आपने एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू एक ऐसी गाय या भैंस बना दी जो तो बहुत ज्यादा मिल्क दे रही है, मैक्सिमम जो है यहाँ पर मिल्क दे रही थी, कुछ गाय ऐसी हैं जो इससे ज्यादा मिल्क दे रही है, मतलब एक तरफ चली गई हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे डायरेक्शनल नेचुरल, क्या कहेंगे बेटा डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। मीन्स यहाँ पे कुछ ज्यादा इंडिविजुअल्स ने हैं, दे हैव एक्वायर अ वैल्यू अदर देन द मीन करेक्टर वैल्यू, अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू, ठीक है। यहां पर क्या है मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफ्रल करेक्टर वैल्यू, पेरिफ्रल करेक्टर वैल्यू मतलब बीच में बेटा मीन की जगह कोई नहीं है, आधे या तो इधर हैं और इधर हैं। दो पीक यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, दो पीक यहाँ पे बेटा आपको दिखाई देंगी, मोर इंडिविजुअल एक्वायर द पेरिफ्रल करेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ दिस कर्व, दो कर्व आपको दिखेंगे, ठीक है, आप लिख सकते हैं एट बोथ एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये जो कर्व हम बना रहे हैं बेसिकली दे आर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ एक और, हाँ मान लीजिए आप एक ऐसी सी साइड पे चले गए, ठीक है, एक आप उस पे चले गए आइलैंड वगैरह पे, है ना, वहाँ पे पोल्यूशन कितना कम होता है, तो बेटा सी है, समुद्र है, समुद्र के आसपास की रेत जो है आपने देखा होगा कुछ आइलैंड पे ज्यादातर ऐसे वाइट से कलर की रेत पड़ी होती, ठीक है, समुद्र के आसपास व्हाइट कलर की रेत है। थोड़ी सी आगे की तरफ जाओगे तो बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, जंगल सा आ गया, वहां पे जो नॉर्मली अपनी सोइल होती है ब्राउन से कलर की, वैसी वाली सोइल। अब उस आइलैंड पे देखा गया कि दो टाइप के चूहे हैं, रैट्स, ठीक है, और क्या देखा गया बेटा, ये जो चूहे हैं ये अलग अलग कलर के थे, एक व्हाइट कलर के और एक जो आपके ब्राउन नॉर्मल कलर के चूहे होते हैं वो, ठीक है। जो आपका सी के साइड में जो वाइट सोइल थी, वाइट रेत थी, वहां पर वाइट चूहे ज्यादा थे, ब्राउन वाले नहीं थे।
और जो आपका फॉरेस्ट था जहां पे आपकी नॉर्मल ब्लैक या ब्राउन सी सोइल थी, वहां पे यही ब्लैक ब्राउन जो चूहे हैं वो ज्यादा थे, व्हाइट वाले जो बेटा वो कम थे। ठीक है, सो हमने क्या देखा, एक ही एरिया है लेकिन एक जगह पर ब्राउन चूहे ज्यादा हैं, एक जगह पर व्हाइट चूहे ज्यादा है। ये भी तो एक टाइप का नेचुरल सिलेक्शन है, आप समझ रहे हो। अगर व्हाइट रेत के अंदर ब्लैक वाले चूहे, ब्राउन वाले चूहे ज्यादा होते तो भैया जितने पक्षी वगैरह घूम रहे हैं इनको तो साफ दिख जाता वो एकदम से, है ना, दिखता क्या नहीं। जैसे हमने व्हाइट और मेलेनाइज्ड मोथ, डार्क विंग मोथ की बात की थी, वही बात यहाँ पर है। तो वहां पर बेटा वो ब्राउन वाले ज्यादा दिखते, तो ब्राउन वाले वहां ना रहकर कहाँ थे, जंगल में थे। वहां पे व्हाइट वाले चूहों की ज्यादा पॉपुलेशन थी, वो खुद को उस व्हाइट सोइल में कैमोफ्लाज कर रहे थे, प्रेडेटर से बच पा रहे थे। और अगर मिट्टी के अंदर व्हाइट होते तो वो अलग से दिखते, तो वहां पर क्या थे, ब्राउन ज्यादा थे। तो एक जगह पे ब्राउन ज्यादा, एक जगह पे व्हाइट ज्यादा, बीच में कोई नहीं है। ठीक है, सो एक ऐसी जगह जहां पर दो पेरिफेरल करेक्टर वैल्यू आपको दिख रही है। ठीक है, सो मोर इंडिविजुअल दे एक्वायर द मोर पेरिफेरल करेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, ये है आपके नेचुरल सिलेक्शन की तीन टाइप। एक हो जाएगा बेटा स्टेबलाइजिंग, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं मीन करेक्टर वैल्यू पे हैं। एक है डिसरप्शनल, जहां पर कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं मीन से निकलकर थोड़े आगे चले गए हैं। एक होता है बेटा डिसरप्टिव, जहां पे मीन के दोनों तरफ पेरिफेरल करेक्टर वैल्यू, वहां पर आपको दो पीक दिखाई देंगी। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है सभी को, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, सो हमने यहाँ पे पांच फैक्टर डिस्कस किए बेटा जो अफेक्ट करते हैं आपके हार्डे-वीनबर्ग प्रिंसिपल को। कौन से, सबसे पहले हमने किया जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, फिर हमने किया जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसको सीवल राइट इफेक्ट भी कह देते हैं, वहां हमने बात की फाउंडर इफेक्ट और पोर्टल नेक इफेक्ट की, जो स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर होता है बाई चांस या रेंडम चेंज होता है एलिलिक फ्रिक्वेंसी में। देन म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड लास्ट वन इज द नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर है ये बात सभी को? चलिए देखो, ये क्वेश्चन है, वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन अक्कर बाय चांस हो रहा है रेदर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन। बेटा जब बाय चांस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। बाय चांस जो होगा दैट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट आ जाता है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ये मैंने यहाँ पे पूरा आपके लिए एक बना दिया है कि कब क्या हुआ, आपको याद रखना है। देखो 2000 मिलियन ईयर अगो वो हमें पता है पहली बार कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई। फिर उसके बाद बेटा 500 मिलियन ईयर अगो जो है इनवर्टिब्रेट्स बने। 350 मिलियन ईयर अगो जो है जॉलेस फिशेज। फिर आया बेटा 350 उसी टाइम पर फिशेज विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन अपीयर्ड, जो ऐसी फिश थी जो लैंड पे भी आ सकती थी और फिर वो वापस पानी में जा सकती थी। वर्क नहीं भाई, वॉटर। ठीक है बेटा, सो 350 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, पहले जॉलेस फिशेज भी आई, फिर कुछ ऐसे फिशेज थे जिनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिन्स थे विच कैन कम टू द लैंड एंड गो टू वाटर बैक। देन 320 मिलियन ईयर एगो सी वीड्स एंड प्लांट्स जो हैं दे इवोल्व्ड। 1938 के अंदर बेटा 1938 में एक फिश मिली साउथ अफ्रीका में जिसका नाम था कोयला कैन, एक लोब फिन थी विच वॉज थॉट, जो माना गया था कि वो मर चुकी है मतलब गायब हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट वो मिली। ठीक है, दिस लेटर इवॉल्व इनटू फर्स्ट एम्फीबियन। देखो याद रखना है फिशेज से ही एम्फीबियन बने थे, तो फर्स्ट एम्फीबियन बने थे वो ऑफकोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एंड दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ द मॉडर्न डे एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग एंड सेलेमेंडर। पहले फिशेज आई थी, फिशेज से बेटा एम्फीबियन बने, और जब सबसे पहले एम्फीबियन बने थे वो तो लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, और माना जाता है कि वही हमारे आज के एम्फीबियन लाइक फ्रॉग एंड सेलेमेंडर के एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, फिर एम्फीबियन से क्या बना बेटा, रेप्टाइल। देखो एम्फीबियंस की तो अभी भी हम बात करते हैं, वो हमेशा पानी के आसपास ही रहते हैं, मॉइस्ट एनवायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, जब उनसे रेप्टाइल बने तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ इवोल्यूशन हुआ। रेप्टाइल्स की खास बात थी कि भाई इनके जो एग जो अंडे देते थे उसके अराउंड जो कवरिंग है वो काफी थिक होती, ताकि उनके अंडे धूप में ड्राई ना हो जाएं और वो खराब ना हो जाएं। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस डोमिनेटेड ऑन अर्थ। ठीक है, सम लैंड रेप्टाइल्स, 200 मिलियन अगर कहा जाता है बेटा, सम लैंड रेप्टाइल्स दे वेंट बैक टू वाटर
एंड इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स लाइक इक्थियोसोरस। ठीक है बेटा, कुछ लैंड रेप्टाइल्स जो हैं वो पानी में गए और वो फिश लाइक रेप्टाइल बन गए, एग्जाम्पल इज इक्थियो। नाउ लैंड रेप्टाइल की जब हम बात करते हैं तब हम मेनली बात करते हैं डायनासोर्स की। सबसे जो बिगेस्ट डायनासोर था दैट वाज द टायरानोसोरस रैक्स, जिसकी हाइट मानी जाती है 20 फीट थी। दूसरे एनिमल्स को खाता था, छोटे एनिमल्स को प्रीडेटर था। ड्रैगर डैगर लाइक टीथ, बड़े बड़े से ऐसे टीथ थे, ठीक है, डैगर लाइक टीथ थे। ठीक है, 65 मिलियन ईयर को कहा गया कि डायनासोर जो पहले बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहे थे एकदम से एक्सटिंक्ट हो गए, सडनली गायब हो गए। रीजन नहीं पता भाई कि क्या हुआ। ठीक है, हो सकता है कोई कह रहा है ऊपर से एक मीटियोराइट गिरी सारे के सारे मर गए, कोई कह रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जमीन ऐसे अपार्ट हुई, पानी आया बीच में, गिर गए, दब गए, मर गए, लेकिन एक साथ सबके सब जो हैं एक्सटिंक्ट जरूर हो गए। ठीक है बेटा, चलिए ये एक बार आप पढ़ लो। जो फर्स्ट मैमल्स थे देवर लाइक द श्रूज, देखे जिसके ऊपर ऐसे कांटे कांटे होते हैं। ठीक है, देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज्ड, मैमल्स वर विवीपेरस, विवीपेरस पता है आपको, विच गिव राइज टू द यंग वंस एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबोर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी। मैमल्स वर ऑफ कोर्स मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग द डेंजर। ठीक है, व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन मैमल्स टूक ओवर द अर्थ, देवर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स हिपोपोटामस बियर एंड रैबिट। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका ज्वाइंड द नॉर्थ अमेरिका दिस एनिमल्स वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फोना। ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच्ड एनिमल्स, पाउच्ड एनिमल्स मतलब पता है ना आपको, मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन अवे फ्रॉम द अदर मैमल्स। देखिए यहाँ पे हमने बेटा पूरा इवोल्यूशन ऑफ डायनासोर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तीन पीरियड मैंने यहाँ लिखा है, ट्रायसिक पीरियड, जुरैसिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, और ये तीनों ही पीरियड फॉल करते हैं इन मीजोजोइक एरा। ठीक है, यहाँ लिखा बेटा डायनासोर जो है सबसे पहले कब आए थे ट्रायसिक पीरियड में, सबसे ज्यादा फ्लोरिश, जब से ज्यादा इनकी जो पॉपुलेशन थी वो कब थी, जुरैसिक पीरियड में, और जब इनकी डेथ हो गई, जब ये एक्सटिंक्ट हो गए, लूप हो गए, वो कौन सा पीरियड था बेटा, क्रिटेशियस पीरियड था। आपने मूवी भी देखी है ना जुरैसिक पार्क, जुरैसिक पार्क मूवी देखी है, तो जुरैसिक पार्क ही मूवी नाम क्यों है उसका, क्योंकि जुरैसिक पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा अर्थ के ऊपर डायनासोर प्रेजेंट थे। अगर मैं डायनासोर के एवोल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले अर्ली रेप्टाइल्स थे बेटा, वो सीधा डायनासोर थोड़ी बने थे, अर्ली रेप्टाइल्स थे, उनसे क्या बने बेटा, स्ट्रेगोसोरस, आर्कियोपेट्रिक्स, याद है मिसिंग लिंक, ठीक है, एंड द ब्रेकियोसोरस। स्ट्रेगोसोरस से बन गया बेटा ट्राइसेरेटोप्स, सब डायनासोर की टाइप है। आर्कियोपेट्रिक्स से बना क्रोकोडिलियन, क्रोकोडिलियन से बना बेटा ट्रेनोडोन, जो एक उड़ने वाला डायनासोर था। ब्रेकियोसोरस से बन गया आपका टायरानोसोरस रेक्स। तो दिस इज द बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ द डायनासोर, ये हमारी बुक के अंदर भी दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे ये रहा, देखो ये क्या है, ब्रेकियोसोरस है, स्ट्रेगोसोरस है, आर्कियोपेट्रिक्स है, सबसे नीचे क्या रहे होंगे, अर्ली रेप्टाइल्स। ठीक है, स्ट्रेगोसोरस से बन गया बेटा ट्राइसेरेटोप, आर्कियोपेट्रिक्स से बना क्रोकोडिलियन एंड देन द टेरेनोडोन, फिर यहाँ पे क्या है ब्रेकियोसोरस, उससे बन गया टायरानोसोरस रेक्स, तो सबसे बड़े वाला डायनासोर। ठीक है, देखो एक और इवोल्यूशन भी दिया हुआ है अर्ली एक्स डायना, मतलब जो अर्ली रेप्टाइल्स थे, अर्ली रेप्टाइल्स ऑफ कोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, फिर उनसे दो टाइप बनी, एक था सोरोप्सिड्स, एक था साइनैप्सिड्स। सोरोप्सिड्स से बने बेटा थीकोडोंट, वहां से बने डायनासोर जो ऑफ कोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एव्स जो बर्ड्स अभी हैं, रेप्टाइल्स जो भी हैं। साइनैप्सिड से बना बेटा ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, साइनैप्सिड से बना प्लेकोसोरस, प्लेकोसोरस से थेरैप्सिड्स, और उसके बाद मैमल्स, और जो फर्स्ट मैमल थे देवर श्रू लाइक, और वो तो हैं लेकिन ये सब क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्या ये बात क्लियर है, प्लीज इसको आप लिख लो, यहां से याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो आप इसको जरूर लिख लो। ठीक है, फटाफट से इसको लिख लो बेटा। ठीक है, ठीक है, तो श्रू लाइक मैमल थे बेटा, बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे से मैमल जो हैं पहले बन गए थे, याद रखेंगे अर्ली रेप्टाइल से दो बने, सोरोप्सिड, साइनैप्सिड, साइनैप्सिड से प्लेकोसोरस, देन थेरैप्सिड, फिर मैमल्स विच वर
लाइक यहाँ पे था सोरोप्सिड, वहां से थीकोडोंट, उससे बना आपका डायनासोर्स, एव्स एंड द रेप्टाइल्स. एव्स मतलब बर्ड्स होता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका इवोल्यूशन ऑफ मैन. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये आपको याद रखना है. ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ मैन की जब हम बात करते हैं, सो यहाँ पे सीधा लिखा बेटा 15 मिलियन ईयर अगो प्राइमेट्स धरती पर आए. प्राइमेट्स कैसे थे बेटा? हेयरी, पूरी बॉडी पे हेयर थे, एंड दे वॉक लाइक गोरिला एंड चिंपैंजी. गोरिला चिंपैंजी जरूर आपने देखा होगा टीवी वगैरह में. ठीक है, सो जो पहले 15 मिलियन ईयर अगो जो प्राइमेट्स आए थे, देवर लाइक गोरिला एंड द चिंपैंजी. इन प्राइमेट्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया, एक था रामापिथेकस, एक था ड्रायोपिथेकस. अगर मैं बात करती हूँ ड्रायोपिथेकस की, तो ये ज्यादा एप लाइक थे और अपनी चारों पैरों पे चलते थे. और जो रामापिथेकस थे बेटा, ये मैन लाइक थे, ऐसे दो पांव पे चलते थे. ठीक है, कुछ फॉसिल्स हमें इथोपिया और तंजानिया से भी मिले हैं, जिनकी बिल्कुल आदमियों जैसी बोन है. फॉसिल क्या होते हैं? हार्ड रिमेन. हार्ड रिमेन क्या है? हमारा बोन ही तो है. यही लिखा होगा, देखो. फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन हैव बीन फाउंड इन इथोपिया एंड तंजानिया. कहाँ मिले हैं भाई? इथोपिया और तंजानिया में इनके फॉसिल्स भी मिले हैं. ठीक है, सो इवोल्यूशन ऑफ मैन में आप याद रखेंगे 15 मिलियन ईयर अगो प्राइमेट्स आए, विच वर हेयरी एंड दे वॉक लाइक गोरिला एंड चिंपैंजी. दो टाइप के थे, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस. रामापिथेकस तो राम से, राम जी से याद कर लेंगे कि वो मैन लाइक थे. और ड्रायोपिथेकस फिर कैसे हो जाएंगे बेटा? एप लाइक, एंड दे वॉक विद द फोर लेग्स. ठीक है, देन 3 to 4 मिलियन ईयर अगो मैन लाइक प्राइमेट्स के फॉसिल्स मिले हैं. कहाँ से? ईस्टर्न अफ्रीका से, कहा जाते हैं वहां रहते थे. इनकी हाइट सब कुछ ये फॉसिल से पता चला बेटा, ऐसा तो है नहीं 3 से 4 मिलियन वाला इंसान अभी तक बैठा और हमें सब इन्फॉर्मेशन देगा, नहीं ना. ठीक है, सो फॉसिल से पता चल रहा है सब. ठीक है, मैन लाइक प्राइमेट्स वर देयर इन द ईस्टर्न अफ्रीका. उनकी जो हाइट है वो 4 फीट से ज्यादा नहीं थी और वो सीधे चलते थे. देखो यहाँ लिखा होगा, नॉट टोलर देन 4 फीट एंड दे वॉकड अपराइट. फिर ये था 3 to 4 मिलियन ईयर अगो. देन 2 मिलियन ईयर अगो हमें मिले ऑस्ट्रेलोपिथेसेंस. कहाँ पर? इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड. ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड. इन ऑस्ट्रेलोपिथेसेंस की खास बात क्या थी? ये शिकार करते थे, ये हंटिंग करते थे स्टोन. स्टोन वेपन, पिस्टल वगैरह थोड़ी थी बेटा, पत्थर से होते ना तीखे तीखे बना के, उससे ये शिकार करते थे. लेकिन ये उनको खाते नहीं थे, ये थे वेजिटेरियन, ये फ्रूट व्रूट ही खाते थे. ठीक है, फिर उसके बाद आए आपके ऑस्ट्रेलोपिथेसिस के बाद आए बेटा होमो हैबिलिस. ये काफी ह्यूमन लाइक थे. इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी दैट वाज 650 to 800 cc, और ये भी मीट नहीं खाते थे. ठीक है, सो पहले ऑस्ट्रेलोपिथेसिस आए हैं, फिर होमो हैबिलिस आए हैं. ब्रेन कैपेसिटी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 650 to 800, और ये मीट नहीं खाते. देन 1.5 मिलियन ईयर अगो आए होमो इरेक्टस. इनके फॉसिल्स हमें जावा में मिले इन 1891, जब खोदा गया 1891 में, तो वहाँ इनके फॉसिल्स मिले. इनकी ब्रेन कैपेसिटी मानी जाती है कि 900 सीसी थी, और ये मीट वीट खा लेते थे, दैट इज होमो इरेक्टस. फिर आते हैं बेटा आपका 1 lakh to 40,000 ईयर बैक नियंट्रल मैन आए धरती के ऊपर, जिनका ब्रेन साइज था 1400 सीसी. ईस्ट और सेंट्रल एशिया में ये मिले थे. ये अपनी बॉडी को थोड़ा छुपाने में हेल्प बिलीव करते थे, पत्ते वत्ते लगाने लग गए थे, और अगर इन केस इनकी डेथ हो जाती थी तो ये जमीन में उनको दबा भी देते थे. दैट इज नियंट्रल मैन. देन 75,000 to 10,000 ईयर अगो, तो नई बहुत पुरानी बात नहीं कहेंगे हम इसको, तब आए भाई होमो सेपियंस. ये जो एज यहाँ पे लिखी है 75,000 to 10,000, दैट इज कॉल्ड एज आइस एज. इसे क्या कहते हैं बेटा? हम आइस एज कहते हैं. ठीक है, ये जो होमो सेपियंस हैं, ये बेसिकली अफ्रीका में थे, फिर ये चारों तरफ घूमने लग गए, और इनसे ही डिफरेंट डिफरेंट रेसेस जो हैं वो बनी. देन 18,000 ईयर एगो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट का पता चला. बेस्ट एग्जांपल जो है भीमबेटका रॉक शेल्टर हमें मिला है मध्य प्रदेश में, वहां की एक डिस्ट्रिक्ट है रेजन डिस्ट्रिक्ट, वहां से. देन 10,000 ईयर एगो बेटा एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स, मतलब लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर करने लग गए और एक जगह पे रुकने लग गए, घर वर बना के रहने लग गए, दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट्स. ठीक है, इसको एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं थोड़ा सा. हमने क्या बोला है कि 3 to 4 मिलियन ईयर एगो मैन लाइक प्राइमेट्स मिले ईस्टर्न अफ्रीका में, विच वर नॉट टोलर देन 4 फीट एंड दे वॉक्ड अपराइट. देन 2 मिलियन ईयर एगो कौन आया बेटा? ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, वही ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में इनके फॉसिल्स मिले हैं.
ये हंटिंग करते थे स्टोन वेपन से, लेकिन फ्रूट ही खाते थे, मीट नहीं खाते थे। देन ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स के बाद आए होमो हैबिलिस, ये ह्यूमन लाइक थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी जो है वो 650 टू 800 सीसी थी क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी मीट नहीं खाते थे। होमो हैबिलिस के बाद आए बेटा होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर अगो। इनके फॉसिल्स हमें जावा में मिले हैं, इन 1891 में हमें इनके फॉसिल्स मिले थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी जो थी वो दैट वाज 900 सीसी, होमो हैबिलिस की कितनी थी बेटा 650 टू 800, एंड ये मीट खाते थे। के बाद 1,40,000 ईयर एगो आए आपके नियंथ्रल मैन, जिनका ब्रेन साइज था बड़ा, दैट इज 1,400 सीसी। ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया में मिले, दे यूज टू हाइड देयर बॉडी, पत्तों पत्तों से छुपा लेते होंगे, और जो डेड होते थे उनको ये दबा देते थे जमीन में। देन आती है आइस एज, मीन 75,000 टू 10 ईयर एगो, तब आ गए बेटा होमो सेपियंस, जो अफ्रीका में थे, चारों तरफ घूमने लगे, उन्हीं से नई नई आपकी रेसेस बन गई, ठीक है। फिर एक शेल्टर जो होते हैं ना, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, जो लोग होता ना गुफाओं के अंदर जो पूरी ऐसे कारीगरी की होती थी, वैसे उसका भी प्रूफ मिला, जो कि 18,000 साल पहले का है, वो है आपका भीमबेटका का रॉक शेल्टर इन रेजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। देन एग्रीकल्चर ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो स्टार्ट हुई अराउंड 10,000 ईयर एगो। क्लियर क्लियर है बेटा इतनी बात? हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है? ये जितने पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं आप इसको लिख लो, ये मैंने अलग अलग करके सारे एक्सप्लेन किया है ताकि आपको याद रहे किसके फीचर कौन से। आपकी बुक में ऐसे पूरा पैराग्राफ है, वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सो प्लीज आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है बेटा। एक आपकी बुक के अंदर ये एक स्कल दिया हुआ है, इसको आप देख के क्या देखेंगे, देखो बेटा ये तो है ह्यूमन स्कल, ठीक है, ये है आप का बेबी चिंपैंजी एंड दिस इज द एडल्ट चिंपैंजी, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे ह्यूमन का स्कल और जो बेबी चिंपैंजी का स्कल है बेटा, काफी सिमिलैरिटी है, शो करता है कि ये हमारे एंसेस्टर्स ही थे, ठीक है, सेम एंसेस्टर्स हैं। चलिए रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, क्वेश्चंस देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है। वेरिएशंस कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डिवराइस, ह्यूगो डिवराइस ने जो म्यूटेशन के बारे में बोला कि म्यूटेशन से ही इवोल्यूशन हो रहा है, तो उसने क्या कहा, ये वेरिएशन कैसी थी, रैंडम थी और कोई डायरेक्शन नहीं थी, देवर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस। देखिए रैंडम एंड डायरेक्शन लेस मीन्स ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट एंसेस्टर हैं लेकिन फंक्शन जो है वो सेम कर रहे हैं, है ना, डिफरेंट एनाटॉमी है लेकिन फंक्शन सेम है, सो कॉमन सेट ऑफ फंक्शन इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्टर्स, ऑप्शन 1 विल बी इट्स करेक्ट आंसर। चलिए अडेप्टिव रेडिएशन हमें कहाँ देखने को मिली थी भाई, डार्विन फिंचेस के अंदर। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अलग अलग काम बट फंक्शन सेम, सॉरी अलग एनाटॉमी बट फंक्शन सेम, सो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई मतलब ए का 4 बी का 3, लो आंसर तो निकल गया तुम्हारा। डाइवर्जेंट में क्या था बेटा, एनाटॉमी सेम थी, फंक्शन डिफरेंस थे, मतलब बोन ऑफ फोर लिम्स इन मैन एंड व्हेल। इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड, तो वहां पे आ जाएगा एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड, डी का हो जाएगा 1, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका निकल कर आएगा ऑप्शन। क्लियर, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, बेटा एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मैन के एक्शन के कौन से एग्जाम्पल है, डार्विन फिंचेस, मैन का कोई पंगा नहीं था वहां पे, हर्बिसाइड बिल्कुल, ड्रग रेजिस्टेंस यूकेरियोट, हाँ जी इनएडवर्टेंट यूज कर रहे हो आप ड्रग्स का, मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल, यहाँ तो लिख ही दिया मैन, तो यहाँ पे आएगा बेटा आपका बी सी डी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फिनोमिना ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट स्प्रेडिंग, एक ज्योग्राफिकल एरिया है, एक जगह से स्टार्ट हुए, डिफरेंट डिफरेंट बन गए, मतलब डार्विन फिंचेस, मतलब अडेप्टिव रेडिएशन, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। देन इन ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स हैव इवॉल्व टू शेयर मैनी सिमिलर करेक्टर
दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन, इस टाइप को क्या कहेंगे बेटा, एक एरिया है वहां पे दो अलग अलग स्पीशीज ने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो किया और उन्होंने आपस में क्या शो किया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मीन्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये तो मैंने आपको लिखवाया था, ये क्या था, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन था, ऑप्शन ए आ जाएगा। डिफरेंट एनाटॉमी है बट फंक्शन सेम है। Among the following set of example for divergent evolution, select the incorrect. सब divergent है, एक नहीं है, बताएंगे कौन सा। Forelimb of man, ये है भाई divergent है, ठीक है। Heart वाला भी divergent है, brain वाला भी divergent. Eye of octopus, bat and man, ये बेटा divergent नहीं है, this is a convergent evolution, देख तो रहे हैं बेटा anatomy अलग है। A hominid fossil discovered in Java in 1891, now this extinct, having cranial capacity of 900 cc, बेटा कौन था ये, होमो इरेक्टस, कौन थे, होमो इरेक्टस। व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन, होमो सेपियन फ्रॉम हिज एंसेस्टर, हमने क्या देखा बेटा, धीरे धीरे जो है क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ रही है, पहले 650 टू 800 थी, फिर 900 आई, फिर 1400 आई, तो क्रेनियल कैपेसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो ऑप्शन थ्री जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थ्री विल बी इट्स करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है सभी को, क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, चलो बेटा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर जो है यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। सो ये था बेटा हमारा पूरा इवोल्यूशन, जहां आपको एक बार मैं इसका रिव्यू दे देती हूँ आपको फटाफट से, जहां आपको सबसे पहले क्या करना है, इवोल्यूशन के अंदर आपको देखना है, मैंने एक आपको टाइमलाइन लिखवाई है, कब क्या चीज बनी, यूनिवर्स कब आया, सोलर सिस्टम कब आया, अर्थ कब आया, नॉन सेल्यूलर फॉर्म कब बनी, सेल्यूलर फॉर्म कब बनी, ये सब, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब आया, ये सब आपको याद रखना है। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ मैंने आपको बहुत सारी करवाई है, स्पेशल क्रिएशन की, बायोजेनेसिस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, पैनस्पर्मिया, देन मॉडर्न जो थ्योरी थी आपकी केमिकल इवोल्यूशन वाली, सब याद रखनी है बेटा, ओपेरिन, हेल्डन और मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि डार्विन ने कहा नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो है इवोल्यूशन, ठीक है, और उन्हीं के टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे, जिनका नाम था अल्फ्रेड वेलेस, उन्होंने भी सेम ही चीज कह दी। फिर हमने बात की कि इवोल्यूशन के ये जो है इसके प्रूफ क्या है, वहां पे हमने एंथ्रोपोजेनिक प्रूफ, पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज देखी, फॉसिल्स देखे, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस देखे, ये सब देखा बेटा। फिर हमने बात की यहाँ पे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम्पल भी आता है। देन इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा हमने क्या होता है। फिर हमने किया बेटा अडेप्टिव रेडिएशन जो डार्विन फिंचेस पे था, ठीक है, साथ साथ में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में था, और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स के बीच में क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। फिर की ऑफ इवोल्यूशन जो है वो बेसिकली डार्विन के हिसाब से ब्रांचिंग डिसेंट, मतलब एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। फिर हमने देखा कि ह्यूगो डी व्राइज ने क्या कहा इवोल्यूशन के बारे में और डार्विन क्या कहते, दोनों का मैंने आपको एक चार्ट बनवा दिया डिफरेंसेस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फिर हमने किया बेटा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो कह रहा है कि भाई एक एरिया में लार्ज रैंडमली मैटिंग पॉपुलेशन के अंदर एलिलिक फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहती है, सम ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू वन, देयर इज ऑलवेज अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम, और जब ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तब इवोल्यूशन होगा, और इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए भाई पांच फैक्टर हैं, दैट इज जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल। नेचुरल सिलेक्शन आप याद रखेंगे बेटा तीन टाइप का हो गया, स्टेबलाइजिंग, डिसरप्शनल एंड स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। फिर मैंने आपको पूरा बता दिया टाइमलाइन, फिर से मैंने आपको बताया कि कब क्या क्या हुआ वो याद रख लेंगे थोड़ा, और ये इवोल्यूशन ऑफ मैन जो हमने किया है 15 ईयर अगो, मिलियन ईयर अगो प्राइमेट्स आए, फिर क्या क्या हुआ ये सब आपको याद रखने हैं, होमो हैबिलिस के क्या करेक्टर हैं, कब वो आए, होमो इरेक्टस कब आए, ऑस्ट्रेलोपिथेसिस कब आए, नियंत्रल मैन कब आए, क्या फीचर्स हैं उनके, होमो सेपियंस आइस एज में आए, एग्रीकल्चर 10,000 में आया, प्रीहिस्टोरिक केव आर्ट के एविडेंसेस 18,000 ईयर अगो के हैं। तो ये देखो एक उसमें मैंने आपको मैक्सिमम चीजें समझा दी, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं के नीचे आपको ये चैप्टर याद रखना, क्लियर है बेटा, कर लेंगे,
ठीक है। तो इसी के साथ बेटा हमारा 12th क्लास का जूलॉजी का सिलेबस इस चैप्टर के साथ कंप्लीट होता है। तो टोटल 5 या 6 चैप्टर ही थे। प्लीज इनको कभी कहीं पे भी बैकलॉग है तो आप कभी भी इनको देख सकते हैं, आपका बैकलॉग इजीली क्लियर हो जाएगा, आपका नीट के एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। चलिए बेटा आप मिलते हैं किसी और बैच में, किसी और जगह पर। टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। बाय।